Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. Shall we open our Bibles to Exodus chapter 3 and read verses 19 and 20? आइए हमारे धर्मशास्त्र को खोलते हुए निर्गमन की किताब तीसरे अध्याय वचन 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे. आगामी हमारे धर्मशास्त्र खोले बिनी यात्रा पुस्तक और 19 और 20 पढ़िम हो. मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने ना देगा. इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा. एंड आई एम श्योर दैट द किंग ऑफ इजिप्ट विल नॉट लेट यू गो, नो नॉट बाय अ माइटी हैंड. एंड आई विल स्ट्रेच आउट माय हैंड एंड स्माइट इजिप्ट विद ऑल माय वंडर्स व्हिच आई विल डू इन द मिडस्ट थेरऑफ एंड आफ्टर दैट ही विल लेट यू गो. किंतु मैं जानू मिस्र राजा तुमलोकक जाबोले निदिब, बाहुबल देखाब निदिब. पासे मोर निज हाथ मेलि देखर मजत मोर करिबलगिया सकलो आश्चर्य कर्मरे मिस्र देखर आघात करिम, तेतियाहे तेउ तुमलोकक एरि दिब. Here we read some truths about our practical life. हमारे दैनिक जीवन के कुछ वास्तविक बातों को हम यहाँ पर पढ़ करके देखते हैं. यात हमारे वास्तविक जीवन दुटा हत्य देखा पाओ. In the first 2 days, we learnt about the power that sin holds over our lives. पहले 2 दिन में हमने उन बातों को देखा कि किस रीति से पाप की शक्ति हमारे जीवन को पकड़ी रहती है. और प्रथम दिन में देखा बोलो कि कोई पापों होती है हमारे जीवन तो धोरी रखे. We also saw how sin distorts or changes or diminishes our view about God. और परमेश्वर के प्रति परमेश्वर किस प्रकार की चिंताधारा है, किस रीति से ये पाप उसे बदल देती है या कम कर देती है या असरहीन कर देती है, उसके विषय में भी हमने देखा. पापे कहने को परमेश्वर प्रति ठोका जी तो चिंता है तो कमाई दिए बा बदलाई दिए आमी ताको देखा पालो. We also saw how Jesus alone can deliver man from sin. There's no other way. और हमने ये भी देखा कि केवल यीशु मसीह ही मनुष्य को उसके पाप से छुटकारा दिला सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं. आमी देखा बोलो यीशु ख्रीष्ट केवल हमारे पापों पर मुक्त दिवो पारे आरु कुन रास्ता नाए. We saw yesterday how Satan has this nature of not giving up. और बीते कल शाम के समय में हमने देखा कि किस रीति से शैतान का एक स्वभाव है कि किसी भी कीमत में वो ना छोड़े. जो आप कल आबिले हमें देखा पालो शैतान का स्वभाव जीतु रीति तेओ मानुहक एरी निदिए. He doesn't let go of his own natures. वो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं. तेओ निजर स्वभाव तो एरी निदिए. He is proud and he will never admit his failure. He will continue to be proud. वो एक घमंडी है और वो अपने पराजय को कभी नहीं स्वीकार करता, लगातार घमंड में ही बना रहता है. तेओ अहंकार होय आर्टर निजर विफलता केतेओ स्वीकार नकरे आरो अहंकारते लागी थाके. And we also saw yesterday how Satan is very careful about keeping the souls that he has in his control. और हमने ये भी कल देखा कि किस रीति से शैतान जो है उनके हाथ में जो आत्मा है उनको संभाल करके अपने नियंत्रण में रखता है. आमी देखा पालो कने को शैतान तार हाथत हे आत्मा बिला कने कोई अधीनत तार नियंत्रण करि राखे. And he is not satisfied with what he has. He also wants what he has lost and what Christ has won over for himself. जो उसके पास है उससे वो तृप्त नहीं होता, किंतु उसके साथ ही साथ जो यीशु मसीह ने अपने शक्ति से उसको छीन करके ले गया, जिनको शैतान ने खो दिया उसको भी वो वापस पाने की आग्रह करता है. ते हर जी आत्मा से तटे ते हुखी न होय, किंतु यीशु ख्रीष्ट जी तो आत्मा ते पर सिंगि लले ताकु ते पाबोले ते इच्छुक. In short, just because you and I are sitting here in a Christian meeting like this, he's not going to let us go saying, oh, they have gone to Jesus. संक्षिप्त में कहा जाए, आप और मैं आज इस प्रकार एक मसीही समारोह में या सम्मेलन में बैठे हैं, इस कारण से शैतान ये कहकर कि हमको छोड़ नहीं देगा कि वे लोग तो मेरे हाथ से चले गए. और आज ही आमी ख्रिस्टीय मीटिंग और आमी बहुत का कारण है शैतान एतु न कोई जे तेन लोग मुर परा आटोरी गोल बोली. When this meeting is over, he is waiting to attack us once again. जब ये सभा समाप्त हो जाए एक बार हमारे पर आक्रमण करने के लिए वो तैयारी के साथ है. अरे होबार हे खोर पिसत ही आको बार आक्रमण करबोले ही तैयार होय आसे. But we must also realize that our Jesus also will not let us go. इसके साथ ही साथ इस बात का भी एहसास हमें होना चाहिए कि हमारे यीशु मसीह भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा.
আর আমি তার লগে লগে এটু কথা অনুভব করিব লাগে যে আমার যীশু খ্রিস্ট আমাক হাত এরি নিদিব and we must believe that his grip God's grip over our souls is more powerful than the grip that Satan has had over us aur is baat ko bhi hum vishwas karna chahiye ki hamare prabhu yeshu masih ka jo pakad hai वो इतना मजबूत है जो शैतान किसी भी रीति से उसे छीन नहीं सकता আমি এটো কথা বিশ্বাস কৰিব লাগে যে যীশু খ্রিস্ট যেটো আমাৰ হাতৰ মুঠিয়ে ধৰি আছে হেতু অতি শক্তিশালী কিছু কোনো প্ৰকাৰে শয়তানক এৰি নিদিব Now as we continue to meditate on these verses ইন বচনক যিস প্ৰকাৰ হাম লাগাতাৰ ধ্যান কৰতে আ ৰহে হে এই বচন যেতিয়া আমি একেৰাহে অধ্যয়ন কৰি আছো These Israelites who were delivered from Egypt They started journeying towards a place which God was going to show them. और ये इज़राइली लोग छुटकारा प्राप्त करने के बाद परमेश्वर जिस स्थान को उन्हें दिखाता है या बताता है वे लोग अपनी यात्रा आरंभ करते हैं इज़राइली हगल जेतिया मिसर देखर पर आहिले परमेश्वर तें लोगो कने जी रास्ता देखाई थैसिल राज्य थैसिल तार कने तें लोगो लई गइसिले Lacks of them started their journey from Egypt to a land called Canaan which is today's Israel और लाखों की संख्या में मिस्र देश को छोड़कर के इज़राइली लोग अपनी यात्रा कनान की ओर शुरू किए आज के दिन में कनान देश इज़राइल के नाम से प्रसिद्ध है लाख लाख इज़राइली हकल मिस्र देश एरिपिनी आहिसिले कनान देखो कारण आज दिन जीटू इज़राइल बुली कुआ होय बट जस्ट लाइक दिस फेरो दिस किंग ऑफ इजिप्ट सेड आई विल नॉट लेट देम गो और जिस प्रकार फरो राजा ने मिस्र देश के राजा ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा जेने कोई फरो ने कोई सिले मिस्र देखो राजा जे मोटे लोग जाबोले निदिम वी सी हाउ इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नी द पावर्स ऑफ इजिप्ट द हैबिट्स ऑफ इजिप्ट tried to pull them back to their to Egypt aur hum dekhte hain ki unke yatra ke dauran misr desh ka swabhav aur misr desh ki shakti in logo ko aisi kheench rahi thi ki ve log wapas misr desh mein aa jaye kintu tel logo yatra karmayot ami dekha pao kene koi misr dekhor prabhav aru hokti tel logok tani asile jar karon tel loge ako misr dekhole ghuri jabo iccha korechile in the same way in our christian life in our journey towards heaven these powers of egypt will try to pull us back to egypt and not so to prevent us from reaching heaven aur usi prakar hamare aatmik jeevan mein bhi jab hum log swarg raj ki ur yatra karte hain वो ये सारी शक्ति पाप की शक्ति हमें वापस खींचती रहती है कि हम लोग पाप की दुनिया में चले जाएं ताकि हम लोग स्वर्ग राज्य में पहुंच ना पाए ठीक तेने को ख्रिस्टान जीवन जेने को आमी स्वर्ग राज्य पिने आग बाड़ी जाऊं तेने को ये पाप बिलके एने को टानी थाके जाते आमी गोई स्वर्ग राज्य ना पाऊं वी आर गोइंग टू सी अ फ्यू एरियाज अ फ्यू इंसिडेंट्स वेयर दीस चिल्ड्रन ऑफ इजराइल एज दे वर गोइंग टुवर्ड्स कैनान देयर होमलैंड They were struck by these memories and habits of Egypt and wanted to return. और हम इन बातों को आज देखेंगे कि वे लोग जो अपने अपने ही निवास स्थान की ओर या कनान की ओर लोग बढ़ते जा रहे थे किस प्रकार मिस्र देश के कई आदतें स्वभाव उनको याद दिला करके उनके यात्रा में बाधा हुआ आज आमी साम केने को इजराइली हकल कानान देखले जाउते मिसर देखर जितु स्वभाव कुन कुन क्षेत्र आघात करिसिले तेन लोगक पिसले घुराई निबोले द किंग ऑफ इजिप्ट हु सेड आई विल नॉट लेट यू गो मे हैव डाइड बट द स्पिरिट ऑफ इजिप्ट कंटिन्यूड टू हंट देम इन डिफरेंट ओकेशंस एंड ट्राइड टू पुल देम बैक मिस्र देश का राजा फरो तो शायद मर चुका था किंतु मिस्र देश की आत्मा विभिन्न स्थानों में विभिन्न रीति से उन लोगों के ऊपर आक्रमण करके उन्हें वापस लाने की कोशिश करता रहा हाँ तो मिस्र देखो रोजा मरी गई लेकिन मिस्र देखो जी हॉकटी तेलुगर कानत बाजी आसिले जाते तेलुगर आको घुरी आहे चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जस्ट बिकॉज़ वी आर क्रिश्चियंस एंड जस्ट बिकॉज़ वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस इट डजंट मीन दैट द वर्ल्ड एंड सैटन विल नॉट टच अस अगेन देयर आर ओकेशंस व्हेन वी विल आल्सो टेंड टू लुक बैक एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हमेशा के प्रिय लोगों हम लोग बहुत ही सावधान रहे हम एक मसीही हैं या प्रभु को ग्रहण किए हैं इसके लिए हम लोग सुरक्षित है ऐसा नहीं ऐसे कई प्रकार की अवस्था परिस्थिति हमारे जीवन में आएगा जब हम लोग वापस मुड़ के देखेंगे है प्रिय भाई बहनों को आप लोग याते खान तो ना था कि वो जो आमी यीशु ख्रिस्त ग्रहण कर लो लेकिन जीवन हमारे एनु का मुहूर्त आए वो जार मुहे मुहूर्त द्वारा आमी आको पिछले घुरी आए बोले इच्छा करो नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू अ फ्यू ओकेशंस व्हेन द पावर्स ऑफ इजिप्ट ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल इन द कोर्स ऑफ देयर जर्नी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी सम स्पिरिचुअल लेसंस फॉर आवर लाइफ टुडे
और हम लोग मिस्र देश से निकल करके यात्रा करने के समय में उनके इस यात्रा के दौरान क्या क्या घटना घटी उनके कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे और उसके साथ ही साथ हमारे आत्मिक जीवन को भी हम तुलनात्मक करके उसे देखेंगे और ये जी इजराइली हकल मिस्र बा उलाई जाऊं दे की घटना घटले हेतु आमी आज शाम आटा लगत आमी तुलना भूलक भाबे आत्मिकतार शाम हेतु केने कोई होल The first time this happened was in when the children of Israel left Egypt and they stood on the shores of a sea called the Red Sea. और सबसे पहली बार जो घटना घटी मिस्र देश से निकल करके उन लोग आगे की ओर बढ़ने के समय में एक किनारे आकर के पहुंचे और वो था लाल समुद्र का किनारा और प्रथम घटना तो घटले जितने मिस्र देखर बा उलाई से तेलुगु आही पिने कोन हागर और किनार ठियो होय ही हे हागर कोन नाम सुप हागर एंड एज दे वर वंडरिंग हाउ टू क्रॉस सडनली फार अवे दे सॉ फेरो एंड हिज आर्मी परस्यूइंग देम वंस अगेन और जब वे लोग सोच ही रहे थे कि कैसे इस लाल समुद्र को पार करें तभी वे लोगों ने दूर से देखा कि फरो राजा अपनी सेना समेत आक्रमण करने के लिए आ रहा है যেতিয়া তেওঁলোকে এই সুভাগখন পাৰ হোৱাৰ কথা ভাবি আছে তেওঁলোকে ঘূৰি চালে যে ফৰণ ৰজা আৰু তেওঁলোকৰ সৈনিক হৈতে তেওঁলোকক খেদি আহি আছিলে That Pharaoh who said I will not let you go was now chasing them again और जो फरो ने कहा कि मैं तुझे जाने ना दूंगा वही फेरो इनका पीछा करने लगा जी फरो ने कहा तुम्हारा मैं जाबल निदिम हे फरो ने তেওঁলোকক খেদি আহি আছে At that time the children of Israel what did they say और उस समय में इज़राइल के संतानों ने क्या कहा हे हमर इज़राइल संतानों को ले की कोले रीड एक्सोडस चैप्टर 14 वर्सेस 11 एंड 12 इन वन लैंग्वेज प्लीज केवल एक ही भाषा में पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 14 अध्याय 11 एंड 12 11 और 12 वचन एटा भाकर प्रयोजन 14 अध्याय 11 12 वचन यात्रा पुस्तक एंड दे सेड टू मोसेस बिकॉज़ देयर वर नो ग्रेव्स इन इजिप्ट हैज़ नाउ टेकन अस अवे टू डाई इन द विल्डरनेस Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, Let us alone, that we may serve the Egyptians? For it has been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. The Israelites got so afraid, they said, Why did you take us out of Egypt? It would have been better if we were there. Now we are going to die. Or Israeli मिस्रियों को आते देख इतना भयभीत हो गए और वे लोग कहने लगे क्यों हमको तूने मिस्र देश से निकाल करके लेकर आया देख अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं इजराइलियों को लेकर मिस्र मोजाम नहीं निकले आमी औरनन मोरे बोले तुम्हें आमक याले आनीला यू नो द लैशेस दैट दे हैड रिसीव्ड वर स्टिल फ्रेश ऑन देयर बैक्स उनके पीठ पर जो कोड़े का प्रहार उन्हें मिला था वो अभी भी ताजा है The memories of the taskmasters of Egypt torturing them were still fresh in their minds. उनके मन में अभी भी उनको पीड़ा देने वाले लोगों का हर एक काम अभी भी उनके मन में वैसे ही तरोताजा है और तेलुगर जी जो कर्म तेलुगर अधिनायक पीड़ा दिसिले हेतु तेलुगर मन एतिया हजीव होय आसे बट स्टिल व्हाट आर दे सेइंग नाउ इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी वर इन इजिप्ट ये सारी बातें उनके दिलो दिमाग में रहने के बावजूद भी वे लोग इस प्रकार के कहते हैं कि हम लोग अगर वहीं रहते तो हमारे लिए अच्छा होता एक कथा बिलाग मन ठोकार ऊपर तेलुगे कोसिले आमी मिस्र ठोका होले भाल होल होय व्हाई डिड दे वांट इजिप्ट अगेन क्यों वे लोग मिस्र देश दोबारा चाहते थे क्यों तेलुग मिस्र देश दोबारा बिसारिसिले देयर वाज अ प्रेशर नाउ कमिंग अगेंस्ट देयर लाइव्स वर इन डेंजर जब वे लोग उस राज्य से बाहर निकल आए उनके जीवन में कुछ खतरा आ गई हे देखो बाहर जीवन किसान अहंका वी हैव अ लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस इससे हमें एक सबक सीखना है यार पर हमें एटा पाठ हिकिबो लागिबो व्हेन सफरिंग कम्स अगेंस्ट आवर लाइव्स व्हेन द प्रेशर्स ऑफ लाइफ सीम टू किल अस वी वुड रादर हैव इजिप्ट और जब हमारे जीवन में जीवन के ऊपर कुछ संकट आता है और जीवन का जब एक दबाव हमारे ऊपर आता है तो उस समय में हम लोग मिस्र देश की ओर देखते हैं या वापस लौटने की सोचते हैं अमर जिते जीवन और हंका है और अमर जीवन और ऊपर हैसा है जिते आमी मिस्र देखोले घुरी जुआ कोठा भाबू आई हैव हर्ड नॉट वन और टू बट मेनी क्रिश्चियन से दिस सिंस आई हैव बिकम अ क्रिश्चियन सफरिंग्स हैव ओनली इंक्रीज्ड I was not like this when I was in the world. Why is this happening to me? और मैंने एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई मसीहों के मुंह से ऐसा कहते सुना है कि जब वे लोग मसीह जीवन में आ जाते हैं तो कहते हैं
मेरा जीवन ऐसा नहीं था, किंतु अब प्रभु को पाने के बाद इतना कष्ट, इतनी समस्या, इतना क्लेश, ऐसा क्यों? এতিয়া মই এজন নহয় দুজন নহয় কেইবাজনো মোৰ বন্ধুৱে কোৱা শুনিছো যে মই যীশুখ্ৰীষ্ট জীৱন পোৱাৰ পিছতে মোৰ কষ্ট জীৱনলৈ আহিল, কিন্তু আগতে তেনেকুৱা নাছিলে। Before I accepted Jesus, I was all right. Why these sufferings now? ঈশ্বৰ মসীহক গ্ৰহণ কৰাৰ সে পেলে তো মই ঠিক ঠাক হি থা, আবি এ সমস্যা কিউ? যীশুখ্ৰীষ্ট গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে মই ঠিকে আছিল, কিন্তু এই সমস্যাটো এতিয়া কিয়? One thing I want to tell you, Jesus never promised a life without sufferings. এক বাত মই আপোনাক কে দেনা চাহতা হু, एक जीवन जो समस्या रहित हो, ऐसा कोई वायदा यीशु ने कभी नहीं दिया। वायदा कथा अपना मन प्लाई दिव दिव जे अपना समस्या रहित कोनो एटा जीवन कथा आमार यीशु ख्रीष्टय प्रतिज्ञा करा नाय। Jesus didn't say, oh suffering people, oh people of the world, come to me, I will take you sailing on a rocking chair and you can just keep on singing singing all the way to heaven, no more sufferings। यीशु मसीह ने कभी भी दुख और क्लेश में पीड़ित पीड़ा में रहने वाले लोगों को देखकर के नहीं कहा कि हे दुख और क्लेश में रहने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको ऐसे आसान जीवन दूंगा जिस जीवन में तुम केवल गीत गाते और नाचते कूदते रहो। সংকট আৰু পীড়াত ৰৈ থকা মানুহবিলাকক যিশুৱে এনেকৈ কোৱা নাই, হে সংকট আৰু পীড়াত পৰি থকা মানুহবিলাক আহা, মই তোমাৰ উমলা চকীত বহাই পিনি তোমালোকক নচাম, আনন্দ দিম। Jesus said you will have suffering. ঈশ্বৰে কহা তোমাৰ লিয়ে জগত মে ক্লেশ হে। যিশুৱে কৈছে জগতত তোমালোকৰ কাৰণে ক্লেশ আছে। But he has promised peace in the midst of suffering. কিন্তু উসনে ইয়ে ওয়াদা কিয়া ইন সারে ক্লেশ কে মধ্যে মে তুমি শান্তি মিলে। কিন্তু তেও এটো প্রতিজ্ঞা করলে সকলো ক্লেশৰ মাজতো শান্তি আছে। So when the pressures of life and sufferings and problems seem to kill us, to look back to Egypt is unwise. इस कारण से हमारे जीवन में जब दबाव आता है, जीवन में संकट और मृत्यु रूपी फंदा आता है, उस समय में वापस मिस्र देश को देखना हमारे जीवन की भूल है। যেতিয়া আমাৰ জীৱনত হেঁচা আহে আৰু সংকট আহে, মৃত্যুৰ ভয় আহে, তেতিয়া আমি মিছৰ দেশৰ পিনে চোৱাটো জ্ঞানীৰ কথা নহয়। So many immature Christians are quick to say in the midst of their sufferings, they're quick to say, I'm not going to pray anymore, I'm stopping talking to Jesus, I'm not going to go to church anymore, what's the use of it all, my problems are only increasing, I'm only suffering more and more every day. और कई मसीही लोग जो भली भांति मसीह को नहीं जाने हैं या नहीं समझे हैं, वे लोग इस प्रकार कहते हैं, और मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, और प्रभु के पास नहीं जाऊंगा, और मैं प्रभु के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि जितना मैं प्रभु के साथ रहता हूं, उतना ही मेरे जीवन की समस्या बढ़ती बढ़ती चली जाती है। बहुत परिपक्व ख्रिस्टान लुके कोई যে মই যীশু খ্রিস্টর লগত বহুত কষ্ট পালো আর মই কিটাও গির্জালে না যাও আর কিটাও পার্টনারে না যাও বলি। বাট লুক এট দ্য মার্টার্স অফ দ্য ফর্মার ইয়ার্স। কিন্তু পূর্ব দিনো মে জো শহীদ হুয়ে হ্যায় মসীহ কে লিয়ে উনকি ওর থোড়া দেখো। কিন্তু পূর্ব দিনত হেই শহীদ হুয়া হেই মসীহ খ্রিস্টর কারণে তেওলোকর জীবন লে সোয়া। দে অলসো ওয়েন থ্রু সাফারিং। ভে লুক বি ক্লেশ সে হোকর কে গয়ে। তেওলোক ক্লেশর মাঝে গৈছিলে। লুক এট সেন্ট পল, হি ওয়েন্ট থ্রু সাচ টেরিবল সাফারিং। সেন্ট পলস কো দেখো, ও ভি বহুত হি ভয়ানক ক্লেশ অর সংকট সে হোকর কে গুজরা। হাডু পলক সক, তেও ভয়ানক ক্লেশর মাঝে গৈছিলে। লুক এট সেন্ট জন, হি ওয়েন্ট থ্রু সো মাচ সাফারিং, আইসোলেটেড, অ্যাবান্ডনড, banished to the Isle of Patmos. और संत यूहन्ना को देखो, उसके जीवन में कितना समस्या और क्लेश आया, उसको तो काला पानी का सजा दे दिया, उसको एक अकेले टापू टापू में उसको छोड़ दिया। আৰু আপুনি হাডু জোহনৰ জীৱনৰ চাওক, তেওঁৰ জীৱনত কিমান ক্লেগ আহিলে, কিমান কষ্ট আহিলে, তেওঁ এৰি দিলে আৰু কালা পানী নিচিনা পাত্ম দিব তেওঁক বন্দী ৰাখিলে। No human beings in that island of Patmos, he was the only human being there, all he saw was dead bodies and skeletons and a lot of eagles waiting to swallow him when he dies. और पद्मोस द्वीप में जब ये यूहन्ना पहुंचा, वहां पर एक भी मनुष्य को उसने नहीं देखा, सिवाय वहां पर हड्डी का ढांचा पड़ा हुआ था, वो सारे जीव जंतु वहां पर थे जो इस में यूहन्ना की ओर देख रहे थे कि कब ये मरे और कब मैं उसको खा जाऊं। यूहन्ना तार ये पद्मोदी पर कुनु मानो देखा ना पाला, किंतु सारी पर लाव खुला और हार ब्लड देखा पाला और हैंड मिला के रोए आसिले किटा तेव मोरीबो और टाक आमी खाम। What did he say? उसने क्या कहा? तेव की कोले, Jesus, I served you for so many years and why did this happen to me? Why did you forsake me like this, Lord? Why have you done this to me? उसने क्या ऐसा कहा कि हे यीशु, मैंने इतने दिन तक तेरा सेवा किया, मैंने तेरे पीछे पीछे गया, तूने मेरे साथ ये सब क्यों किया, ये सारे क्लेश, ये दुख मेरे जीव में तूने क्यों दिया? ते अनके कॉलन के, हे यीशु ख्रिस्त, मैं तुम्हारा सेवा करलू, तुम्हें मुझे एबला क्यों दुख दिला बोली। He didn't say anything like that. इस प्रकार
उसने कुछ भी नहीं कहा एनो प्रकारे तेओ एकु नकले ऑन द अदर हैंड ही सेज आई वाज वेटिंग फॉर संडे व्हेन द लॉर्ड्स डे केम आई वाज इन द स्पिरिट इन दैट आइलैंड ऑफ पैटमॉस नो पास्टर्स नो चर्च बट व्हेन ही रियलाइज्ड इट वाज संडे द लॉर्ड्स डे ही गॉट फिल्ड इन द स्पिरिट इन दैट लोनली आइलैंड इसके विपरीत हम देखते हैं कि योहन्ना रविवार के इंतजार में था और जैसे ही प्रभु का दिन आया वहां पर कोई पास्टर नहीं वहां पर कोई चर्च कोई कलीसिया नहीं वहां पर कोई लोग नहीं किंतु वो प्रभु के दिन में परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण हो गया तथापि तो जो है प्रभु दिन अपेक्षा कर सार्स ना कोनो मंडले ना किंतु प्रभु आत्मा ऊपर भरी पड़े When St. Paul went through so much of suffering, he never murmured, he never complained, he never questioned God, he never went back to his old life. On the other hand, he challenged in the Word of God, "Who can separate me from the love of Christ?" St. Paul उसके जीवन काल में भी कई प्रकार की समस्या, क्लेश, निंदा, अपमान का रहा आई. इन सारे अवस्था आने के समय में उसने कभी कुड़कुड़ाया नहीं, वो कभी वापस जाने का सोचा नहीं, उसने कभी पछताव किया नहीं. कि इन सारे बातों के बदले में उसने एक चुनौती दी कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है इमान बिला कष्ट ठकार माजुरो तेओ एने अमर तेओ किटा भूल नुभुराले आरो तेओ एतु नकरे तेओ घुरी जाम बोली किनु तेओ पट्टा बांधिले जे मय परमेश्वर प्रामु कोनो आटर करबो नुवारे व्हाई इज इट व्हेन ऑल द क्रिश्चियंस आर सफरिंग सम चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर एबल टू स्टैंड एंड एंजॉय गॉड इन द मिडल ऑफ द सफरिंग व्हाइल सम आर मर्मरिंग एंड मर्मरिंग डिनाइंग गॉड वेटिंग टू रन बैक टू देयर ओल्ड लाइफ क्यों ऐसा होता है कि कुछ मसीही लोग जब उनके जीव में कष्ट क्लेश आते हैं वे लोग दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं बने रहते हैं किंतु कुछ लोग कुड़कुड़ाते हुए पीछे देखते हुए घबराते हुए दिखाई देते हैं क्यों किसुमान ख्रिस्ट मानु है तेलुगु जी क्ले का है तेलुगु दृढ़ते रोकी थके और किंतु किसुमान ख्रिस्टियन है भूल भुरा और तेलुगु घुरी जाबले बिसारे यू नो हाउ द पावर ऑफ इजिप्ट ट्राइज टू टच अस क्या आपको मालूम है कि किस रीति से मिस्र की शक्ति उनको छूना चाहिए अपन जाने ने मिस्र और हक्ते केन को तेलुगु सुबह बिसारे Satan is not happy in just pulling away our money and you know and afflicting us with sickness. He is not happy with that. और शैतान इससे खुश नहीं है कि वो हमको कई रीति से पीड़ा दे या हमारे सारे धन संपत्ति को छीन ले। और शैतान ने तार हुकी न होजे आपना किबा कोरी पिनी पैसा ले लो बाबा आमा किबा बीमार दिबो। But when you are without a job, when you are sick, when powers of witchcraft are fighting with you, He wants you to deny your God. किंतु जब आप लोग नौकरी के बिना हो जाते हो जब आप लोग रोग से पीड़ित हो जाते हो जादू टोना की शक्ति जब आपके जीव में कार्य करती है तब ये शैतान ये चाहता है कि तुम कैसे यीशु का इनकार करो जितने अपनी काम विहीन हो जाए और अपनी बीमार भोगी थके और अपनी जादू टोनार सहाय लो तेता ही एटू बिचारे जे केने को अपनी जीशु ख्रीटक त्याग करिबो व्हेन ही टचेस योर सोल दैट्स व्हेन योर सोल इज डिफाइल्ड बाय हिम जब वो आपके प्राण को छूता है तब आपका प्राण उसके छूने से अशुद्ध होता है जिते ही अपना प्राण तो सुई दिए तेतिया ही सुवार करने अपना प्राण तो अखुशी हो जाए ब्रदर सिस्टर लेट हिम टच योर मनी लेट हिम टच योर बॉडी लेट हिम टच योर फैमिली लेट हिम टच योर जॉब लेट हिम डू एनीथिंग आउटसाइड डोंट लेट हिम टच योर सोल भविष्य के प्रिय लोगों शैतान को आपके धन संपत्ति को छूने दे आपके सारे नौकरी को छूने दे आपके परिवार को छूने दे बाहरी तौर से आपके पास जो भी कुछ है सब कुछ शैतान छूने दे किंतु आपके प्राण को उसे छूने के लिए कभी भी अनुमति ना दे परमेश्वर प्रिय हंटा नगर शैतान अपना लोग टका पैसा सुबल दियो अपना शरीर सुबल दियो अपना परिवार सकल सुबल दियो बाहर फल रीति सुबल दियो किंतु अपना प्राण तो सुबल निदिब वन वर्ड ऑफ मर्मर वन वर्ड ऑफ डिनायल ऑफ क्राइस्ट वन वर्ड ऑफ ब्लास्फेमी एंड सैटन हैज सक्सीडेड इन टचिंग योर सोल द पावर ऑफ इजिप्ट इज हैविंग डोमिनियन ओवर यू एक कुड़कुड़ाने का शब्द एक निंदा करने का शब्द एक उसके विरोध में बोल करके उसे इनकार करने का शब्द आपके प्राण को छू लेता है और जिसके चलते शैतान जी जाता है और यदि आपने भूल ऐता भूल भूलनी करे ऐता यदि निंदा करे आपने यदि तिरस्कार करे तेनाले शैतान अपना ऊपर जय पाई जाबो I have a testimony to share in this regard. इस विषय में एक साक्षी है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। ए हम प्रकट मुझे एक हाइक हो से जितने मैं अपना लोगों को कवर बिसारू। I thank God because God gave me victory in this aspect. और इस विषय में परमेश्वर ने मुझे जय दिया इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद दूँ ए बिखर परमेश्वर मुझे जय दिया कारण है। I have failed in many other areas of my life, but in one particular trial, I thank God. God gave me a victory. मेरे जीवन के कई पहलुओं में मैं अपने जीवन में पराजय को देखा
কিন্তু ইস খাস বিষয় মে মেরে পারমিশনে মুঝে যাই দিয়া মোর জীবনের বহুত ক্ষেত্রত মই পরাজয় দেখা পালো কিন্তু বিশেষ করে এই বিষয়টুত মই পরমেশ্বর পা জয় পোয়া দেখিলো 2 ইয়ার্স আগো আই ওয়াজ ভেরি সিক 2 সাল পেলে মে বহুতই বিমার থা 2 বছর আগতে মই বহুত বেমারত আছিলো আই ওয়াজ বেডরিডেন আই কুড নট মুভ মাই হ্যান্ডস এন্ড মাই ফিট ও মে পুরা বিছনা মে পড়া থা হাত পেয়ে ভি মে হিলা নি সকতা মই বিছনাত পড়ি আছিলো মোর হাত ভরি লড়াবো পড়া নাছিলো দ্যাট ব্রাদার হু ওয়াজ প্লেইং দ্য ড্রামস he used to brush my teeth because I could not brush my teeth jo mere jo bhai jo vadyantra ko baja rahe hain wahi mere daant ko brush karke dete the kyunki main apne haath se wo kar nahi pata tha ji bhai vadyantra baja se teu mur daant to maji disile karan moi nijor haath khon lorabo pora nasilu another brother used to feed me every day because I could not feed myself ek dusra bhai tha jo mujhe apne haathon se khilata tha karan ki main khud আন এজন ভাইয়ে এদিন মধ্য রাতে মই এটা অনুভব করিলো যে মোর মুখের উপর কিবা এটা লরসর করে আছে and I could not lift one hand to remove whatever it was I had to call out to the brothers who were sleeping there around me I kept calling no one woke up I kept on calling till someone woke up and said please switch on the light there's something on my face please remove it or मैं अपने हाथ को बढ़ा करके मेरे चेहरे में रेंगने वाले वो क्या जंतु ये क्या चीजें मैं नहीं जानता था मैं हटा भी नहीं सकता था और मैं पुकारा जो मेरे आसपास बच्चे लोग सोए हुए थे कि उठो लाइट ऑन करो मेरे चेहरे में कुछ है उसको निकालो किंतु कोई मेरी नहीं सुनी मैं निजर हाथे रे मोर मुखर ऊपर जी तो लॉर्ड सर करे सिल जंतु तो अटार पर ना सिल मैं कने सियोरी सियोरी कोई सिल भाई कल उठा और लाइट तो जलाई दिया मोर मुखर की आसे मैं देखा पुआ ना है सो मेनी टाइम्स आई वाज शाउटिंग इन पेन बिकॉज़ द पेन वाज अनबेरेबल और मैं उस दर्द को सह नहीं पाने के कारण असहनीय उस दर्द में मैं चिल्ला उठा और मैं होइबनवारी मैं बिखत सियोर मारी उठिसिलु I could have asked questions against God. God, I have been serving you for so many years in this ministry and is this the reward you give me for all my service? Aur us samay mein main mere Ishwar se ye prashn pooch sakta tha. Kai saalon se is seva mein teri sevkai karta raha. In sare sevkai ke badle mein kya yahi mera inaam ya pratifal hai? Hey, humar moy parameshwar prashn koribo parilo hai. Parameshwar tumak moy bahut bosor dhori ha kori asu kintu tar পুরস্কার হিসাবে তুমি মোক এটুয়ে দিলা নাকি বাট প্রেজ গড আই নেভার আস্ক সাচ কোয়েশ্চনস মে পরমেশ্বর কো ধন্যবাদ করতা হুম ইস প্রকার কা কোই ভি সওয়াল মেনে পুছা নাহি পরমেশ্বর ধন্যবাদ হ কারণ এনুকার প্রকার মই কোনো প্রশ্ন নহ দিলু অন দি আদার হ্যান্ড টু অর থ্রি নাইটস ইন দা মিডল অফ দা নাইট ওয়েন এভরিওয়ান ওয়াজ স্লিপিং মেবি 1:30 অর 2 ইন দা নাইট আই কুড নট স্লিপ দেয়ার ওয়াজ নো স্লিপ কামিং বাট আই ওয়াজ ক্রাইং এন্ড ক্রাইং এন্ড ক্রাইং লেকিন ইস কে পরিবর্তিত ইয়াস কে বদলে মে জব মধ্যরাত মে 1:30 2 বাজে जब सारे लोग सोते हैं मेरे को तो नींद नहीं आती उस समय में भी मैं कुड़कुड़ाया नहीं अपितु मैं रोता रहा एनुका अवस्था जेते मध्य राती एटा बा डेटा बाइसिले तेते मुक पिराय आमोनी दिसिले किंतु मय भुरु न भुराय मय कानिसिलु यू नो व्हाई क्यों जाने ने क्यों नॉट बिकॉज़ लॉर्ड व्हाई माय सफरिंग लाइक दिस इसके लिए नहीं कि ये कष्ट मेरे जीव में क्यों এটো কারণে নহয় যে এই কষ্ট জীবন মোর জীবনত কিয় লর্ড আই কান্ট বেয়ার দ্য পেইন নট বিকজ অফ দ্যাট ইসকে লিয়ে নহি কি হে প্রভু মে ইস দর্দ কো সহ নহি পা রাহা হুঁ করকে মে নহি রো রাহা এটো কারণে নহয় যে হে প্রভু মই এই বিঘ্ন হইব পড়া নাই বলি লর্ড ওয়েন আর ইউ গোন টু কাম এন্ড হিল মি নট বিকজ অফ দ্যাট মে ইসকে লিয়ে নহি রো রাহা কি হে প্রভু তু কব আ করকে মুঝে চঙ্গা করেগা এটো কারণে নহয় হে প্রভু তুমি কেটে আবে আর মুখস্থ করিবা বলি বাট জিসাস আই লাভ ইউ কিন্তু মে ইসকে লিয়ে রো রাহা থা কি ইয়েশু मैं तुझको प्यार करता हूं किंतु मैं कने कालीसिलो यीशु मैं तुमक प्रेम करू माय हार्ट वाज सो फिल्ड विद दिस लव इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दैट पेन एंड सिकनेस आई केप क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड आई सेड जीसस आई लव यू उस सारे दर्द के बीच में बीमारी के बीच में मेरा शरीर में कई प्रकार का दर्द था और मैं केवल एक ही बात बोलता रहा और रोता रहा कि यीशु मैं तुझे प्यार करता हूं मैं तुझे प्यार करता हूं मोर শরীর বিষ আর বেমার থাকার উপরই মই এটা কথাই কইছিল হে প্রভু মই তোমাক প্রেম করু মই তোমাক প্রেম করু ইন দা মিডস্ট অফ দ্যাট সিকনেস আই ক্যান টেল ইউ আই ফেল্ট জিসাস সো ক্লোজ টু মি অর উস বিমারি কে ওয়াক্ত মে আপকো বাতা দেনা চাহতা হুঁ ইয়েশু কো মেরে বহুত হি সমীপ বহুত হি নজদিক মেনে এহসাস কিয়া আর হে বেমার দা মই আপনাক এটা কথা কই দিও পারো যে মই প্রভু যীশু খ্রিস্টক অতি উসরৰ পৰা পালো ক্যান ইউ সে ইন দা মিডস্ট অফ ইয়োর ট্রাবলস ইন দা মিডস্ট অফ ইয়োর প্রবলেম ইজ ইয়োর জিসাস গুড
क्या आपके समस्या के मध्य में, आपकी बीमारी के मध्य में क्या आप बोल सकते हो कि आपका यीशु भला है? कि अपना समस्या समय अपना बीमार समय अपनी कह पारे ना अपना यीशु भल बोली? Can you say that you love Jesus? क्या आप बोल सकते हो कि यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ? अपने कहो पड़े यीशु मैं तुम्हें भाल पाऊँ? You don't need to say, you don't need a Christian to say what is Jesus doing in the midst of trouble. आप जो मसीह हैं ये बोल नहीं सकते कि मेरे समस्या के बीच में यीशु क्या कर रहा है? अपने ख्रिस्ट हिसाब से कहो पड़े मूल समस्या अपने की कोई से बोले? But a true Christian is one who in the midst of adversity and problem will confess that Jesus is good. और सच्चा मसीह वही है जो समस्या और विरोध के मध्य में कहता है कि प्रभु भला है। और होसा ख्रिस्ट है जो जी निजर समस्या और विरोध के मध्य कह जीशु तुम भल हुआ बोली। I saw a man testifying one day। एक दिन एक मनुष्य को मैंने इस प्रकार गवाही देते सुना। एक दिन मैं एजन मानक एने धरने हक्ष दिया देखिलु। He had no hands। उसका कोई हाथ नहीं। तेरे कोनो हाथ नहीं। He had no feet। उसका कोई पैर नहीं। तेरे कोनो भरी नहीं। You won't believe it, he had no hands and no feet। उसका कोई पैर नहीं, उसका कोई हाथ नहीं, आप विश्वास ना करोगे। आपने विश्वास न करो तेरे को हाथ और भोले नहीं। He had two feet that were just 2 inches long and out of one foot one toe was sticking out. That's all he had. और उसका पैर बोलने से बहुत ही केवल 2 फुट का है और उसमें से केवल एक अंगूठा बाहर निकल रहा है। और तेरे हाथ भोले बोले कोले खाली तेरे आंगोली की तरह खाली लोरी थके हेटुए 2 फुट हेटुए हाथ। No hands at all. It was cut here, both sides. उसका हाथ दोनों तरफ से ही नहीं है, यहाँ से कटा हुआ है। अटलगर दुखन हाथ ना दुई फलवा कटा हासिल है। He was born like that। और वो इसी अवस्था में जन्मा। तेओ एने अवस्था में जन्मी सिले। He was standing on the table and preaching because nobody could see him if he was on the ground। अगर वो जमीन में खड़े होकर के प्रचार करे तो कोई भी उसे देख नहीं सकता, इस कारण वो मेज के ऊपर खड़े होकर के प्रचार करता है। तेओ जदी टोल ठियो होपिनी प्रचार करे कोनो देखा ना पाबो हेकान तेओ टेबल ऊपर ठियो होपिनी प्रचार करिसिले। You know what he was preaching? और आपको मालूम है कि वो क्या प्रचार का? अपनी जाने तेओ की प्रचार करिसिले। He was preaching how good Jesus is। और वो ये प्रचार करता है कि यीशु कैसा भला है। तो एटू प्रचार करिसिले यीशु ख्रीष्ट किमान भाल बोली। Just imagine a man without hands and feet preaching that Jesus is good। थोड़ा सोच करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ और पैर नहीं है वो प्रचार करता है कि यीशु भला है। अपने भावी से एजन व्यक्ति जार हाथ और भोरी ना तेव एने धरने प्रचार करिसे जे यीशु ख्रीष्ट भाल बोली। What about your Jesus? Are you denying him because something's gone wrong with your life? आपके यीशु के विषय में क्या? क्या आप यीशु मसीह को हमेशा इनकार करते रहते हो क्योंकि आपके जीवन में एक के पीछे एक समस्या है? अपना विषय यीशु ख्रीष्ट की है? अपना समस्या आपने यीशु ख्रीष्ट को इनकार करिसे नेकि? How easily and how quickly the king of Egypt is pulling us back. और किस प्रकार ये मिस्र देश का राजा आपके जीवन में आपको पकड़ करके पीछे की ओर खींच रहा है? অতি সোনকালে আৰু অতি সহজে কেনেকৈ মিছৰ দেশবিলাকে আমাক পিছলৈ টানি লৈ যায়? Today, if you are able to confess your Jesus is good in the middle of all your problems, everything might have gone wrong with your life, you're about to die, you don't know whether tomorrow you will be there, but if you can sit here and confess that Jesus is good and that you love him, then you have won the victory, brother, sister. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आपके समस्या के मध्य में यीशु भला है करके यदि आप कहोगे, हो सकता है कि आप बहुत ही भयंकर समस्या के मध्य में हो, मृत्यु आपके समीप हो, नाना प्रकार की परेशानी से आप घिरे हुए हो, तथापि यदि अपने मुंह आप स्वीकार करोगे कि यीशु भला है तो आप आपके जीवन में जय को पाओगे। और यदि तुम्हें मृत्यु तुम्हार यदि यीशु ख्रीष्ट भाल बोली तुम्हें स्वीकार करा हो तो तुम्हार मृत्यु ऊसर साबिबो पारे किंतु तुम्हें जे स्वीकार करे यीशु जी भाल बोली तुम्हें तेतिया जय पाबा। देयर इज अ पावर ट्राइंग टू पुल योर सोल बैक टू इजिप्ट बैक टू योर ओल्ड वर्ल्ड। एक शक्ति है जो आपके प्राण को आपके पुराने जिंदगानी में मिस्र देश की ओर खींच रहा है। एता हक्ति आसे जितु अपना प्राण और अपनार পৃথিবী খনক মিশর দেখো পিনে টানি আছে। But now we are going to put that power to shame। কিন্তু আজ অভি হাম উস শক্তি কো লজ্জিত করনে যা রহে। কিন্তু এতিয়া হে হকটি আমি লজ্জিত করিবলে গই আছো। How many say in the middle of your problem, how many will dare to say my Jesus is good? আপকি সমস্যা কে মধ্যে মে আপ ইসে কিতনে লোগ ইয়ে কেনে কে লিয়ে তৈয়ার হে কি মেরা ইয়েশু ভালা হে। আপনার লোকর মাঝত কি সমস্যা মাঝত কি মানে কও পাইবে যে মোর যিশু ভাল বলি? That's not loud enough. ये काफी नहीं है। ये तो जरूरत तो न होए। Say it with all your heart. Say it with all your voice. आपके सारे मन के साथ, सारे आवाज के साथ, शब्द के साथ आप बोलिए। अपना मौन और हब्द होते कहो। Hallelujah. He
If you have really said it with your heart, I tell you today, heaven is rejoicing because of your voice, because of your lifted hands. अगर आपने सच्चे दिल से इस बात को कहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके ऊंचे हाथों को और आपके शब्द को सुनकर के स्वर्ग आनंदित है। अपने जो हसा अंतर जो अपने सिर से तला अपना ऊपर हाथ देखे बिने आज ही स्वर्ग आनंदित होबो। Satan, who was still now trying to pull your soul back and say, "Come back, man, your God has forsaken you. He simply does not exist. All this is just imagination. Come back to your old life." Has lost his game. He has lost his game. He's put his head down in shame and gone away, brother, sister. जो शैतान अभी तक आपको कह रहा था कि हे मेरे भाई, मेरे बहन, तू वापस लौट करके आ जा, क्योंकि देखो यीशु और यहाँ पर नहीं है, वो तो चला गया, और आपको कई रीति से जो खींच रहा था, वो अभी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो हार गया, वो पराजित हो गया। और जी सोचने तुम्हारे को ऐसे लगे जिसे किस तरह हारी गोल तुम्हें आही जो है बोली और आज ही होनी पीनी को बजे जिसे तुम्हारे जॉय हॉल बोली। For the victory that Jesus has given us, let's all praise Him. जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जय दिया, आई उस जय के लिए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। जीसस से जॉय लेता करें, हमें धन्यवाद दीम हो। The second pull that you see, और दूसरा खिंचाव जो आप देखोगे, द्वितीय तांडव आपने लोगे देखा पावो। When the Israelites continued on their journey, जब इजराइली लोग अपनी यात्रा को आगे करते चले गए, जेते इजराइली होकर तांडव को यात्रा आगुआई नहीं असीले, their leader Moses went to the top of the mountain to talk to God to get some laws and instructions to give to the children of Israel. एक दिन मूसा परमेश्वर के समीप पर्वत के ऊपर गया ताकि लोगों के लिए कुछ व्यवस्था और शिक्षा को प्रभु से प्राप्त करके ले आए। एक दिन मूसी परमेश्वर समीपत गोल पर्वत ऊपर गए मानव बिलाव कारणे विधि आरु निर्देशना आनिबो कारणे। They waited one day, two days, many days. This leader Moses had gone up. He was not coming back. और इस्राएल के लोगों ने एक दिन, दो दिन, कई दिन तक इंतजार किया, क्योंकि किंतु उनका नेता मूसा अभी तक वापस नहीं आया। इजराइली लोग होकले एदिन कोरी, दुदिन कोरी, बहुत दिन धरी तेलुक अपेक्षा करले, किंतु तेलुक नेता घुरी नहिल। When they waited for some time, the powers of Egypt started working again in their life. कुछ दिनों तक इंतजार करने के पश्चात फिर से मिस्र देश की शक्ति उनके ऊपर आक्रमण करने लगी, उनको दबाव देने लगी। किसी दिन अपेक्षा करार पिछत मिसर और देखर हक्ते तेलुकर ऊपर प्रभाव पेलाबो धरले और कार्य करबो धरले। Read Exodus chapter 32 and read the first two verses. निर्गमन 32 अध्याय पहले दो वचन को कृपा करके पढ़े। जट्टा पुस्तक 32 अध्याय प्रथम दो वचन पढ़ो। And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods which shall go before us. For as for this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. And Aaron said unto them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, of your sons, and of your daughters, and bring them to me. Praise the Lord. Parameshwar ki naam ki mahima hove. Parameshwar naam mahima ho. Now, there is a truth you have to understand here. Yahan par ek satya hai jise hame samajhna hai. Yeh ek hotto ase jo ami bujhibo lage. Even before these Israelites came into existence, God told their forefather Abraham something. इससे पहले कि इज़राइल लोग का अस्तित्व इस जगत में दिखाई दे, उससे पहले परमेश्वर ने इनके पूर्व पिताओं को या बाप दादा अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दिया था। अरे इज़राइली हकलों तेलुकोर ये अवस्थित पृथ्वी ओहार आगोटे तेलुकोर दादा हकलों किस्मान अब्राहम को प्रतिज्ञा दी सिले। Read Genesis chapter 15. उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय। आदि पुस्तक 15 अध्याय। And read verses 13 and 14. और उसका 13 और 14 वचन को पढ़े। 13 और 14 वचन पढ़ो। And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also that nation whom he shall serve will I judge, and afterward shall they come out with a great substance. What is written here? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखी है? God is telling Abraham in advance, even before the children of Israel became slaves, your children, they are going to become Israelites, they're going to become a nation, they're going to be slaves, and I'm going to bring them out, and when they come out, they're going to come out with great substance. और यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर कहता है,
ये तब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उस जबकि इज़राइलों का अस्तित्व ही नहीं था, और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इज़राइल के लोग गुलामी की अवस्था में आएंगे और मैं उन लोग को वहां से छुड़ा करके बाहर ले आऊंगा, और जब वे लोग वहां से बाहर निकल करके आएंगे तो बहुत से सामग्री के साथ वे लोग वहां से निकल करके आएंगे। ইজরায়েলী সকল অবস্থিত অহার আগতে আপনার দাদাক আব্রাহামক কৈছিল আগতীয়াক যে ইজরায়েলী সকল মিশর দেশ দাসত্ব থাকিব আর কষ্ট ভুগিব আর তারপর যেটা উলাই আহিব একটা জাতি তৈরি করব আর বহুত সামগ্রী হতে আহিব। And when the children of Israel came out of Egypt, God told all the Israelites, go to your neighboring Egyptians, borrow all their jewelry, their silver and their gold, put it on you and go out. परमेश्वर जब मिस्र देश से इज़राइलियों को बाहर निकालने पर था, तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को कहा कि तू अपने अपने पड़ोसी जो मिस्री लोग हैं उनके पास जाकर के उनका जो भी कोई धन संपत्ति है, सोना चांदी, उनके शरीर से निकाल करके अपने ऊपर डाल और यात्रा शुरू कर। আর পরমেশ্বরে ইজরায়েল সকলক মিশর দেশের বাহির করার আগতে ইজরায়েল সকলক কৈছে তোমালকে উচর সুবুরিয়া মিশর সকলের উচর গই তেলকর পরা আ অলংকার বিলাক আনি তোমালকে যাত্রা তৈয়ার করা। হাউ কাম, হাউ ইজ ইট দ্যাট গড ইজ টেলিং দি ইসরাইলাইটস গো আউট উইথ গ্রেট সাবস্টেন্স, গো এন্ড গেট অল দ্য জুয়েলারি এন্ড সিলভার এন্ড গোল্ড ফ্রম দি ইজিপশিয়ানস এন্ড গো আউট। আর কিউ পরমেশ্বর ইস প্রকার কেতা হ্যায় কি তুম মিশরিয়ো কে সারে ধন সম্পত্তি কো উনকে সোনে চাঁদি কো লেকর কে তু নিকল কর কে যাত্রা কর। কিয় পরমেশ্বর ইজরায়েল সকলক তেলক সকল ধন সম্পত্তি মিশর সকলৰ পৰা আনিব কাৰণে কৈছিলে হুন আৰু সিলভাৰৰ হৈতে। সি গড হ্যাড আ প্ল্যান অবাউট ইজরায়েল। দেখো ইজরায়েল কে প্রতি পরমেশ্বর কি এক যোজনা সাও ইজরায়েলৰ প্ৰতি পরমেশ্বৰ এটা যোজনা আছিলে। গড প্ল্যান্ড টু গো এন্ড রিসাইড, মেক হিজ রেসিডেন্স, পুট হিজ টেন্ট অ্যামাংস্ট দি ইসরাইলাইটস। ও পরমেশ্বর ইয়ে চাহতা হ্যায় কি ইজরায়েলিও কে মধ্যে মে वो एक तंबू को बनाए, एक मिलाप वाला तंबू को बना करके उनके मध्य में निवास करे। परमेश्वर विचार से जे इजराइल सकले तंबू बनाबो और तार मजर परमेश्वर निवास करिबो। And that tent God had planned to make with gold and silver and other precious material. और वो जो तंबू या मिलाप वाला तंबू है, उस तंबू की प्रति परमेश्वर की योजना यह है कि वो तंबू सोना চাঁদি ও অন্য প্রকার কে বহুমূল্য পদার্থ সে হি বানায়া যায়। আর হেই তম্বুটো যেটো মিলনের তম্বু আসলে পরমেশ্বর বিচারিছিল যে হে তম্বুটো সোণৰ আর বহুমূল্য সামগ্রী হোক। To make a tent with silver and gold and other precious material in the wilderness, where will they get that from? মরুভূমি মে জানে কে বাদ, জঙ্গল মে জানে কে বাদ, যদি ঈশ্বর কহে কি তু সোনা চাঁদি বহুমূল্য সামগ্রীও কা एक मिलाप वाला तंबू बना, तो इजराइली लोग वो सारी सामग्री कहां से लाएंगे? मरुभूमि और जंगल जुआर पिसत यदि परमेश्वर कहे तुम्हारे होन रूप और मूल्यवान वस्तु आनी तंबू बनवा तेनाले तेलुके कोट पाबो। सो गॉड हैड टू मेक द इजराइलाइट्स टेक इट फ्रॉम द इजिप्शियंस। और इसी कारण से परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्रियों से लेने के लिए अनुमति दिया। और हे कने परमेश्वर इजराइली हकल मिस्र हकल पा लबले अनुमति दिले। बट इज गॉड डूइंग सम स्टीलिंग हियर? तो क्या यहाँ पर ईश्वर कोई चोरी का काम कर रहा है कि यार परमेश्वर की चोरी काम करी से? नो, नहीं, न होय। दे हैड वर्क्ड 400 इयर्स विदाउट सैलरी, बिना वेतन मूल्य के 400 साल गुलामी की अवस्था में इज़राइली लोग ने वहां पर काम किया था। तेलो के मजूरी बिना तेलो के तार सारी को बसर काम करी सिले। नाउ दिस वाज देयर सैलरी, गो एंड गेट ऑल द प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द इजिप्शियंस एंड वॉक आउट। और यही उनका वेतन है, ये सारे बहुमूल्य चीजों को, सोना चांदी को ले और चलते बन। और ये जो तेल का बेटन आसिले तुम लोग के जुआ और बहुमूल्य होन रूप बिलाग लोई उलाई जुआ। सो टू गेट दैट गोल्ड एंड सिल्वर इज़राइल हैड टू स्लॉग फॉर 400 इयर्स। और ये सारे सोना चांदी को प्राप्त करने के लिए ही इज़राइलियों को 400 वर्ष उनकी सेवा टहल करना पड़ा। আর হেই হুনার মূল্যবান বস্তু বিলা পাওয়ার কারণে ইজরায়েলী সকলে 400 বছর সেবা করিলে। When the taskmasters were whipping them and forcing them, no excuse, they can't say I'm sick today, I'm hungry today, please let me go. No, you have to work. They were being forced, they were being tormented, they were being tortured. They could not understand why all this was happening. और जब काम कराने वाले अधिकारी लोग
उनको चाबू का प्रहार देते, मारते और काम करवाते। उस समय में एक भी मजदूर कह नहीं सकता, मैं बीमार हूं, आज मैं कमजोर हूं, मुझको इस प्रकार पीड़ा ना दे, किंतु वे लोगों को काम करना ही पड़ता। ये सारी बातें, ये सारी समस्या क्लेश मेरे जीव में क्यों? इस बात को उन दिनों में वे लोग समझ ना पाए जेटा काम और अधिकार ते लोग क्लेक दिसिले साबु करे मारिसिले ते लोग बेमार आरु जदि ते लोग दुखर आसु बुली कय तथापि ते लोग नुहुनिसिले आरु ते लोग प्रश्न करिसिले ए पीड़ा आमी क्यों पाइसु देन दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ऑल दिस वाज हैपनिंग बट लेटर ऑन दे न्यू व्हेन देयर स्लेवरी टर्नड इनटू ज्वेलरी और ये बातें जब वे लोग कष्ट और पीड़ा उठा रहे थे उस समय में तो समझ नहीं पाए। उनकी एक गुलामी उनको धनी बनाने वाली अवस्था में आकर के दिखाई दी, वो ही उनकी संपत्ति होकर के दिखाई दिया। तेलुके जिते पीरार माजत आसिले तेलुके बुझी पुआ नासिले जे तेलुके डाखटुटुर अर्थटु की, किंतु हेको तेलुके बुझी पाले हे डाखटु तेलुक धनी करिले। इन द सेम वे डियर ब्रदर एंड सिस्टर, टुडे वी आर गोइंग थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ हार्डशिप्स एंड टॉर्मेंट्स एंड ट्रबल्स बिकॉज़ वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, बट रिमेंबर ऑल दी सफरिंग्स इज वर्किंग आउट अ बिग ग्लोरी इन द किंगडम ऑफ हेवन फॉर अस। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन के कई कठिनाइयों के रास्ते से होकर के गुजर रहे हैं, कई प्रकार के कष्ट और निंदा और पीड़ा हमारे जीवन में है, किंतु जब यीशु मसीह के आगमन में हम लोग जाएंगे, ये सारी कष्ट निंदा अपमान ही हमारे लिए महिमा का कारण होगा। आज ही ख्रीष्ट बिलाके आज ही आमी बहुत कष्ट और आमी दुख उठाव पारु, किंतु जेत्या यीशु आगमन होबो तेत्या स्वर्गत आमार एतु महिमा लय बदली होई जाबो। But that hard earned glory or jewelry and gold and silver that they earned by so many whips on their back, now they are wasting on making a golden calf। और यहां पर इतना कष्ट और दुख, कितने कोड़े के प्रहार खा करके जो संपत्ति और सोना चांदी को उन्होंने प्राप्त किया था, आज एक सोने के बछड़ा को बना करके सब कुछ देखो व्यर्थ करने जा रहे हैं। और तेल के ईमान कष्ट और पीड़ार माजर जी लोग हुन तेल लोग पाई सिले आज ही तेल लोग एटा गोरुर पुआली बनाए पिने हकलो व्यर्थ करी बोले गोइसे। What happened to that? उसका क्या हुआ? तार कारण की होल? Moses took that calf and crushed it, ground it into powder and threw it into the river, all wasted। और मूसा ने उस घोड़े सोने के उस बछड़े को लेकर के चूर चूर किया और उसके सारे चूर चूर अवस्था को लेकर के नदी में फेंक दिया, सब कुछ देखो व्यर्थ हो गया। आरु मुसी हे गोरु पुआल तो भांगी गोरी कोडला और हकोलो नोट पलाई दिले और हकोलो बिला हे खोई गोल। In the same way, so many children of God today are trying to escape from suffering and are wasting the glory that God has booked reserved for them in heaven। और उसी प्रकार कई परमेश्वर के लोग भी कष्ट और क्लेश से भागने की कोशिश कर रहे हैं और जो परमेश्वर ने उनके लिए इन कष्ट और क्लेशों के द्वारा जो महिमा रखा है, उस महिमा को वे लोग खोते खोते चले जा रहे हैं। आज ही बहुत ख्रीष्ट भाई बहन सकले दुख लेकर पला बोले विचार से, किंतु ये दुख कष्ट विनिमय स्वर्ग जी महिमा राखी से तार पर तेलके हेरुआ बोले गईसे। Everything is remote control, everything is cushion, everything is mattress, everything is soft. So we like everything to be soft also, but Christian life is so full of suffering. Why Lord like this? Aaj ke zamane mein dekhne se har cheez aadhuniktam hai, sab prakar ki sukh aur suvidhaye hain, har cheez komal aur mulayam hai, ki tu masih jeevan kyun itna hi kasht aur klesh se bhara? Aaj ami jodi chao amar jeevan to iman remote hoy aru amar কুমল কুশনের মাঝে হয়, কিন্তু আমি যদি খ্রিস্ট জীবনে চাই ইমান ক্লেক কিয়? সো উই ডোন্ট লাইক টু সাফার। ইফ সাফারিং কামস লর্ড কুইকলি প্লিজ ব্রিং মি আউট সামহাউ, আই ওয়ান্ট টু কাম ফাস্টার, প্রে ফর মি, আই এম সাফারিং সো মাচ, আই কান্ট বেয়ার ইট, প্লিজ ব্রিং মি আউট অফ দিস ফাস্ট। আর ইসি কারণ সে জব ক্লেশ আতা হে হাম লোগ সহ নাহি পাতে হে, তুরন্ত আতে হে পাস্টর জি কো বোলতে হে, পাস্টর জি কিসি ভি রীতি সে মুঝে প্রার্থনা করো, ইস সমস্যা কষ্ট ক্লেশ সে মুঝে ছুটকারা দো, মে হো সহ নাহি সকতা হু। আর হে কেন আমার যেটা ক্লেক আমি হইব নো, আর আমি পাস্টর কো পাস্টর মু কেন জলদি প্রার্থনা করো, মই এক ক্লেক হইব পারে। Why are we in such a hurry to come out of our sufferings? क्यों हमारे इस क्लेश से बाहर आने के लिए इतनी जल्दीबाजी? और क्यों आमी एक लेखो पर बाहर हो बोले मैंने खोड़ करूं? Because this flesh does not like to suffer। कारण कि ये मांस क्लेश दुख उठाना नहीं चाहता। कारण ये मांग होए क्लेश और दुख उठाबो नहीं बिसारे। Don't worship this flesh like a golden calf। इस शरीर को, इस मांस को एक सोने के बछड़े के नहीं हम उसकी आराधना ना करें। ए मांखो आरे हरिरो कामी हे गुरु पालतू निश्चित आमी आराधना करिबो ना लागे। If we allow this flesh to dominate us, it will steal our glory in heaven। और यदि इस मांस को, इस शरीर को हमारे ऊपर राज्य करने के लिए, अधिकार करने के लिए अनुमति देंगे, वो स्वर्गीय महिमा को हमारे जीवन से निकाल फेंक देगा।
যদি আমি শরীরে আর এই মাংস আমার উপর অধীন হবলে দিও তেনহলে আমার স্বর্গ থাকা মহিমা হেরাই যাব সাপোজ দি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট প্রমিসেস 10 লাখস অফ রুপিস অ্যাজ কম্পেনসেশন টু এনিওয়ান হু গেটস স্পিট আপন ইন দ্য ফেস বাই এনিওয়ান এলস আগর সোচ লিজিয়ে ইয়া মান লিজিয়ে ভারত সরকার এক প্রকার কা এক নিয়ম লাগু করতা হ্যায় যদি কোই দূসরা ব্যক্তি আপকে চেহারে মে থুকে তো জো ব্যক্তি থুক কো প্রাপ্ত কর রাহা হ্যায় উসকো 10,000 রুপে মিলেগা আপনি ভাবিলক যদি 10,00,000 রুপে মিলেগা যদি আপনি ভাবিলক যদি ভারতবর্ষ ভারতর গভর্নমেন্ট এটা নিয়ম বনাই দিয়ে এজন ব্যক্তি যদি আপনার মুখর উপর থু পেলাই দিয়ে তাহলে থু প্রাপ্ত হওয়া জনে 10,00,000 টাকা পাবো সো সামওয়ান স্পিটস অন ইউ গভর্নমেন্ট ইজ গোইং টু গিভ ইউ 10,00,000 যদি কই আপকে মুহ মে থুকে তো সরকার আপকো 10,00,000 দেগা যদি কোনো বা আপনার মুখত থু পেলাই দিয়ে আপনি 10,00,000 টাকা পাবো এন্ড ইফ সামওয়ান এন্ড ইউ আর ওয়াকিং অন দ্য রোড টুমরো এন্ড সামওয়ান স্পিটস অন ইওর ফেস ও যদি কালকে দিন আপনি আপ রাস্তে সে চলতে যা রহে হো আর কোই ব্যক্তি আকর কে আপকে মুহ মে যদি থুকে যদি আপনি কাইলে আপনি রাস্তাত গয়ে আছে যদি কোনো বা হে আপনার মুখত থু পেলাই দিয়ে What are you going to say? आप क्या कहोगे? आपने की कहो? How dare you spit on my face? तू कैसे मेरे मुंह में थूका? तुम्ही कहने का मुंह मुखा थू पहला Are you going to say that? क्या आप ऐसे कहोगे? कि आपने तने कहो ने? No, you'll go and hug the man. Thank you so much. I was waiting for someone to spit on me. Now I'm going to get 10,00,000. आप उस व्यक्ति के पास जाओगे, उसका आलिंगन करोगे और कहोगे, मैं कितने समय से इंतजार में था कि कोई आकर के मुझे थूके? আপনি যাব আলিঙ্গন করিবার কব যে মই কিমান দেৰি পৰা অপেক্ষা কৰিছো এতিয়া মই 10,00,000 পাব গৈ আছো What are we doing God promises so much glory for all our suffering here why are we crying brother I'm suffering please pray I might come out of it fast কিন্তু উসকে বদলে মে জব হামারা পরমেশ্বর কই প্রকার কি আশীষ কা প্রতিজ্ঞা ইয়া কে কে প্রকার কি আশীষ কা ওয়াদা উসনে দিয়া হ্যায় তো ইন সারে আশীষ কে সময় মে ইয়ে কষ্ট ক্লেশ কে সময় মে হাম ক্যা কেতে হ্যায় ইয়ে সারা কষ্ট ইয়ে ক্লেশ মেরে জীবন মে কিউ বলকি আর আমার যেটা কষ্ট আহে আমার পরমেশ্বর আমার কারণে বহুতো আশীর্বাদ বহুতো পুরস্কার রাখিছে কিন্তু তার পরিবর্তে আমি কও কিয় এই ক্লেশ মোর জীবনত আহিছে বলি রিড 2 Corinthians 4:17 দুসরা করিন্থী 4 অধ্যায় বচন 17 পড়েন দ্বিতীয় করিন্থিয়ান 4:17 পড়ক ইটস রিটেন হিয়ার our affliction all that you know we say no you I'm suffering so much no one should suffer like me from my birth till today I've been suffering all the time what does this bible say about all that big suffering that we magnify it says it's a light affliction but for a moment aur hum log hamare jeev mein jo dukh kasht klesh ko uthate hain hamare us klesh ke vishay mein hum log kehte hain oh itna dukh इतना कष्ट इतना समस्या मेरे जीवन में आई हुई समस्या किसी के जीवन में नहीं आना चाहिए ये सारा जीवन भर का जो समस्या दुख और क्लेश है इन सारे समस्या के विषय में धर्मशास्त्र कहती है ये पल भर का হালকা সা ক্লেশ যেটা আমার জীবনের দুঃখ কষ্ট আমি কও যে মোর জীবনে ইমান দুঃখ কষ্ট আছে ইমান কষ্ট পাইছো কিন্তু আমি যদি বাইবেল শাস্ত্র চাও এই দুঃখ কষ্টটো পলভৰ কারণে এন্ড ইন এক্সচেঞ্জ ফর দ্যাট সাফারিং হোয়াট ইজ গড গিভিং আস অর ইস সারে কষ্ট কে বদলে মে ঈশ্বর আমি কিয়া দেতা হ্যায় এই কষ্টর পরিবর্তে ঈশ্বর আমাক কি দিছে I don't know how it is in the other languages but see how it is in English dusre bhashaon mein kaisa mujhe nahi malum lekin angla bhasha mein kaisa hai apni belag bhagat ki kene ke kaise mone jano english mein enake likha ase god doesn't say in exchange for all your affliction I will give you glory parmeshwar aisa nahi kehta in sare kashto klesh ke badle mein main tujhe mahima dunga aur parmeshwar enake kone tumhare kashto klesh ke parivarte main mahima dim he doesn't say I will give you weight of glory aur wo ye nahi kehta ki main mahima ka dhan tumhe dunga jo kone se main mahima dhan dim boli he doesn't say I will give you eternal weight of glory aur wo ye bhi nahi kehta ki main anant mahima ka dhan dunga mota tu kone se main anant kal mahima dhan dim he doesn't say I will give you exceeding and eternal weight of glory aur wo ye bhi nahi kehta ki main बहुत अधिक महिमा का धन तुझे दूंगा तो एतु कोने जे मैं बहुत अधिक महिमा धन तुमक दिम बोली ही डजंट से आई विल गिव यू मोर एक्सीडिंग एंड इटर्नल वेट ऑफ ग्लोरी और वो ये भी नहीं कहता कि मैं उससे भी ज्यादा और उससे भी बढ़कर के मैं तुझे महिमा का धन दूंगा सर एतु कोने जे मैं ततको बेसी करबिनी महिमा धन तुमक दिम बोली ही सेज इन एक्सचेंज फॉर योर अफ्लिक्शन आई विल गिव यू फार मोर exceeding an eternal weight of glory look at the number of adjectives aur wahan par hum log dekhte hain ki in sare dukh aur klesh ke badle mein wo kehta hai ki main tumhe bahut hi mahatvapurna mahima ka dhan dunga aur tao ei tu dukh aur klesh aur poriborte tao koise dukh aur moi klesh aur mahima dim so suffer as much as possible in this world is karan se is sansar mein jitna ho sake utna adhik se adhik aap prabhu ke liye
दुख और कष्ट को उठाओ हे कने ए पृथ्वी जीमान पर आपन लगे परमेश्वर कने दुख कष्ट उठाओ देयर इज अ सॉन्ग इन इंग्लिश व्हिच सेज शैल आई बी कैरीड टू द स्काइज ऑन फ्लावरी बेड्स ऑफ ईज व्हाइल अदर्स फॉट टू विन द प्राइज एंड सेल्ड थ्रू ब्लडी सीज और गीत इस प्रकार कहता है क्या मैं उड़ करके फूल के उस बगीचे में जाकर के रहूं जब दूसरे लोग युद्ध के मैदान में जाकर के कुछ प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं और मैं एटा कविता जाने के लिखी से कि मैं गए एटा फूलर बगीचा गए पड़ी थकिम किंतु मानव मिला गए युद्ध गए तेल किस प्राप्त हब सम पीपल सेल्ड थ्रू सीज ऑफ ब्लड टू विन द प्राइज कुछ लोग इनाम को प्राप्त करने के लिए खून के समुद्र से होकर के गुजरे किसान माने किसान बस पावर कारण तेजर समुद्र माजरे जाए When they have fought like that and shed their blood, can I expect myself to go to heaven on a flowery bed? और जब वे लोग इस प्रकार की अवस्था से लड़ करके आगे बढ़े हैं तो क्या मैं ये आग्रह करूं कि मैं बहुत ही आसानी से जाकर के स्वर्ग पहुंचूं और फूलों के उस गद्दे में सो तेने धरने मानव लगे निज टेस्ट बॉय जिते आगले गुसी जाए कि मैं तेने के भाईबा भाल हब निकी जे मैं स्वर्ग गई पिनी फूलर विश्वनाथ होम बोले डोंट अलाउ दैट पावर ऑफ इजिप्ट टू रिड्यूस योर ग्लोरी इन हेवन स्वर्ग राज्य में आपकी महिमा कम हो इसलिए आप किसी भी रीति से मिस्र देश के शक्ति को आपके जीवन में अनुमति ना दे स्वर्ग राज्य महिमा कम हो कारण कोनो प्रकार ता अपनार मिस्र देश को शक्ति बाढ़िब निदिबो ब्रदर सिस्टर वी हैव बीन कॉल्ड टू सफर लेट अस सफर वेल लेट अस सफर फुली परमेश्वर के प्रिय लोगों प्रिय भाई प्रिय बहन हम लोग दुख और कष्ट उठाने के लिए ही बुलाए गए हैं इसलिए हम लोग कष्ट उठाएं दुख उठाएं प्रिय भाई भनी हकल आमा कष्ट पावर कारणे माटी से आबान दिसे गोटिके आमी भाल दरे कष्ट उठाओ हो लेट्स लुक एट अनदर सिचुएशन वेयर दे स्टार्टेड लुकिंग बैक टू इजिप्ट एक दूसरी अवस्था को हम देखते हैं जब मिस्र के लोग इजराइली लोग वापस मुड़कर के देखे आमी आरो एटा आन अवस्था लई साउ जेतिया इजराइली हकले मिस्र देखर पिने घुरी साइसिले नंबर्स चैप्टर 11 वर्सेस 4 एंड 5 गिनती की किताब 11 अध्याय वचन 4 और 5 गणना पुस्तक 11 4 और 5 एंड द मिक्स्ड मल्टीट्यूड दैट वाज अमंग देम फेल अ लस्टिंग एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल आल्सो वेप्ट अगेन एंड सेड हु शल गिव अस फ्लेश टू ईट वी रिमेंबर द फिश व्हिच वी डिड ईट इन इजिप्ट फ्रीली द ककुंबर्स एंड द मेलन्स एंड द लीक्स एंड द ऑनियंस एंड द गार्लिक Now what's happening here? यहाँ क्या हो रहा है? याद की होइ से? The children of Israel are accused of lusting. और यहाँ पर इज़राइल के संतों, इज़राइल के बच्चों लोगों को अभिलाष के कारण दोष दिया गया. याद इज़राइली लोगों को अभिलाष के कारण दुख दिया होइ से? Now if you look at their lust compared to us, they are big saints. और यदि उनके अभिलाष को हमारे जीवन के साथ तुलना करके देखें, तो वे लोग संत हैं. আর যদি তেওঁলোকৰ অভিলাষাটো আমাৰ জীৱনৰ লগত তুলনা কৰি চোৱা যায় তেওঁলোক সন্ত হয় for so many years morning noon and night they were having manna all the time और कई सालों से सुबह दोपहर शाम को केवल एक ही चीज खाने के लिए और वो केवल मन्ना 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 और हदाय रातिपुआ दुपरिया आबिली तेलुके एटाय वस्तु खावा पाइसले टोल मन्ना 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 व्हाट्स रॉन्ग इन आस्किंग फॉर समथिंग एल्स और यदि कुछ उसके अलावा पूछ ले तो उसमें क्या गलती है तार बदले यदि किबा बेले खावले बिसाय तार की भूल होबो पारे बट व्हाट हैपेंड इन देयर लाइफ किंतु उनके जीवन में क्या हुआ किंतु तेलुकर जीवनत की होल द इजराइलाइट्स डिड नॉट लस्ट फर्स्ट सबसे पहले इजराइली लोगों ने आग्रह या अभिलाषा नहीं की प्रथमते इजराइली होकले आग्रह बा अभिलाषा नकरले देयर वाज सम नॉन इजराइलाइट्स हु वर वॉकिंग विद देम इन देयर जर्नी दे वर कॉल्ड द मिक्स्ड मल्टीट्यूड और इन लोग के मध्य में एक दूसरा मिला जुला भीड़ था जो पहले इन सारी बातों के विषय में आग्रह अभिलाषा करता है इजराइली होकले लोगों आरु बेलेग मिस्र एटा डोल आसिले तेन लोगे हेतु प्रथम अभिलाषा करिले फर्स्ट दे स्टार्टेड लस्टिंग सबसे पहले वे लोग ने आग्रह किया या कामुकता किया प्रथमते तेन लोगे हे आग्रह आरु कामुकता तो करिले दिस एंटर्ड इनटू द माइंड्स ऑफ द इजराइलाइट्स और यही विषय इजराइल के संतानों के मनों में भी प्रवेश करने लगी और ए बिखोई तो इजराइली होकल और मनो तो प्रवेश कर ले दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ द फूड इन इजिप्ट एंड देयर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग और जैसे ही वे लोग मिस्र देश में जो खाद्य पदार्थ को पाते थे उन सारी बातों को सोचने लगे और उनके मुंह में पानी आ गया ते लोग मिस्र देखो की बिलाक वस्तु खाइसले है कोटा तो भवार लोग मुखत पानी आही धरले देन द
Then Egypt came back into their memory. और इस रीति से मिस्र उनके मन में वापस आता है, ध्यान में वापस आता है. ए रीति तेलोकर मनोत इज़राइल और स्मिति रू आहिले. Then they started complaining against Moses. What is this having the same food all the time? We want something else for a change. और उसके बाद मूसा को वे लोग शिकायत करने लगे. हमेशा तो हम लोग मन्ना ही खा रहे हैं. हम लोग कुछ अलग चाहते हैं. আর তেতিয়া তেওঁলোকে মৌচি কবল ধরলে আমি সদায় মান্না খাইছো আর বেলেগ কিটা খাব লাগে. গিভ আস ফ্লেশ টু ইট. আমকো মাংস দে কি আম খাই. আমাক মাংস দিয়ে খাব কারণে. লাস্ট উইল ট্রাই টু ওভারপাওয়ার আস টু টেক আস ব্যাক টু ইজিপ্ট. অভিলাষা हमारे ऊपर जय जय पा करके हमें मिस्र देश में वापस ले जाने की कोशिश करेगा. और ओबिला का अमाक अधिग्रहण करिबो अमाक मिस्र देश को ले जा बोले. See how the lust of the mixed multitude started influencing the lust of the children of Israel. और देखो मिली जुड़ी भीड़ की कामुकता या उनकी आशा अभिलाषा किस रीति से इज़राइल के संतानों के अंदर प्रवेश करने लगी या प्रभाव डालने लगी. हे मिस्र तो डोलटुर अभिलाखाय केने कोई सुआ ইসরায়েলী সকলের প্রভাব করব ধরিলে. ডিয়ার ব্রাদার ডিয়ার সিস্টার উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট হুম উই মিক্স উইথ হুম উই মিঙ্গল উইথ. প্রিয় ভাই প্রিয় বহন হাম কিন কে সাথ মিলতে ঝুলতে হ্যায় উসকে বিষয় মে হাম লোগ সাবধান রহে. প্রিয় ভাই বোনী সকল আমি সাবধান হবল আমি কার লগত মিলা জুলা করু. রিমেম্বার ইউ আর অন ইয়োর জার্নি টু হেভেন. এক বাত আপ ইয়াদ রাখিয়ে आप स्वर्गीय राज की ओर एक यात्रा कर रहे हो. आपने एक कथा मन रखो कि आपने स्वर्ग और पिने यात्रा करी आसे. Who are your friends? आपका मित्र कौन? अपना मित्र कौन है? Be very careful about who your friends are. They can influence you and pull you back to Egypt. They can introduce new lusts into you. आपका मित्र कौन? उसके विषय में हम लोग बहुत ही सावधान रहे. वो आपके जीवन में कई प्रकार की आशा अभिलाषा की बातें नई नई प्रकार के आशा अभिलाषा की चिंताएं आपके अंदर ला करके आपको दबाव दे सकती है. अपना बंधु कौन अपने टाकने हवना नव हटर को बजाते टेलो के नतून अभिलाखा अपना माजो दी निदिए. Don't allow those friends to pull you back to Egypt. Remove your relationship with those friends. इन सारे मित्र लोग आपको दबाव देकर के वापस मिस्र ले जाने के लिए आप अनुमति ना दे किंतु उसके परिवर्तित आप लोग उस प्रकार के संबंध को ही तोड़ दें. और हे बंधु हकल अपना हेसा दीपिनी मिस्र देखले लो जाबले अपना हयमत कराय तेनका न करबो तार परिवर्तित आपनी हे बंधु बिलाक एरी दिबो. नाउ लिसन केयरफुली. ध्यान से सुनो. ध्यान करिपिनी सुनो. दोस चिल्ड्रन ऑफ इजराइल लस्टेड. इजराइल के संतानों ने कामुकता की आग्रह की अभिलाषा किया. और इजराइल हंटान कले काम भावर अभिलाष करले. That lust was spreading, it was catching others. और वो कामुकता फैलने लगी, दूसरे को पकड़ने लगी. और हे काम भाव तो लाहे बेलेगर ऊपर बियोपी पर धरले. God had to do something quickly to put an end to that lust. और इस कामुकता को रोकने के लिए बहुत ही जल्दी से ईश्वर को कुछ करना था कि उसको रोक सके. और यही काम भाव तो अति हुनकाले हिग्रे रखाबो कारणे ईश्वर किछु कार्य करिले. टू बेरी दैट लस्ट गॉड हैड टू बेरी द पीपल हु लस्टेड. उस कामुकता को गाड़ देने के लिए परमेश्वर को उन लोगों को ही गाड़ना पड़ा जो लोग अपने अंदर कामुकता या अभिलाषा कर रहे थे. और हे काम भाव बिलाक पुटी दिबो कारणे परमेश्वर मानव बिलाक पुटी दिले जी बिलाके काम भाव करिसि. रीड द सेम चैप्टर 11:34 ऑफ नंबर्स. और वही गिनती की किताब 11 अध्याय उसके 34 वचन को पढ़ें. अरे एक ही किताब और गणना पुस्तक 11:34 वचन पढ़े जन. एंड ही कॉल्ड द नेम ऑफ दैट प्लेस किब्रोत हत्तावा बिकॉज़ दे आर बरीड द पीपल दैट लस्टेड. You know what this name means, Kibroth Hattava? It means graves of lust. Kibroth Hattava naam ka arth kya hai? Kibroth Hattava naam ka arth hai kamukta ki kabr. Kibroth Hattava mane hol kam bhavar moidam. It is a place where lust is supposed to be buried. Aur ye wo jagah hai jahan par kamukta ko kabr diya jana tha. Aitu hai jagah jo kam bhavok. But it is written here, not only was the lust buried, the people who lusted were also buried. और यहाँ पर लिखा हुआ है कामुकता को केवल कब्र नहीं दिया उसके साथ ही साथ जो लोगों ने कामुकता किया
उनको भी वहां पर कब्र कर दी। यात लिखा है अकल काम भाव तक पुटी दिया नहीं किंतु जी अकल लोके काम भाव करो तक पुटी दिया हो। डियर ब्रदर डियर सिस्टर देयर आर सो मेनी लस्ट्स वॉरिंग इन दिस वर्ल्ड अगेंस्ट आवर सोल। भविष्य के प्रिय लोगों हमारे आत्मा के विरोध में इस जगत में कई प्रकार की कामुकता और अभिलाषा लड़ाई कर रही है। परमेश्वर प्रिय हंडानगल आमार आत्मा विरुद्ध बहुत काम भाव काम करी आसे। इफ वी डोंट गेट रिड ऑफ दोस लस्ट्स बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट क्विकली those lusts will get power over us finally when god judges the lust we will be judged too yadi pavitra atma ke shakti ke dwara jitne jaldi ho sake kamukta ke upar yadi hum jay prapt nahi karenge to ye kamukta ke sath hi sath न्याय के समय में हमारा परमेश्वर हमें ही गाड़ देगा। प्रिय हंडानगल आम जो पवित्र आत्मा जाए जो काम भाव जय नपाते परमेश्वर काम भाव न्याय करो न्याय करिफरेंट अगेंस्ट आर सोल। हमारे प्राण के विरोध में हमारे जीवन में कई प्रकार की अभिलाषा लड़ रही है कार्य कर रही है। हमारे प्राणों विरुद्ध हमारे विरुद्ध बहुत प्रकार काम भाव कार्य करी आसे। बट लाइक द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल वी शुड नॉट गिव रूम टू दोस लस्ट्स एंड ट्राई टू फुलफिल दोस लस्ट्स। ऑन द अदर हैंड गो टू द presence of God and ask the Savior to give you the victory. हम लोग इज़राइलियों के संतान के समान उस कामुकता या अभिलाषों को पूर्ण होने के लिए अपने जीवन में जगह ना दे किंतु उसके परिवर्तित हम लोग ईश्वर के सम्मुख में जाकर के हे परमेश्वर मुझे इससे छुटकारा दे बोल करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम इज़राइली लोग हकलों निश्चित के हे काम भाभी लगा आमार जीवन और जगह दीवन लाए किन्तु तार पौरी बटे मैं परमेश्वर सोचत गोई भी नहीं पार्टनर कर बोले हे परमेश्वर मुक एक काम और भाव प्राप्त मुक्त हो दिया। Now we are going to a fourth place in the journey of the children of Israel where they looked back to Egypt। एक चौथा स्थान जहाँ पर वे लोग मिस्र देश को उल्टा घूम करके देखा। इतना आपको बताना चाहूँगा। इतना मैं सोचूँ तो स्थान तो कोठा मैं पौरी जो Israeli लोग होकर उल्टा घुरी पिनी मिस्र देश साई सिले। They came to a particular place called Kadesh where they were 12 spies were sent to spy Canaan and bring back news on how their land is। और वे लोग यात्रा करते करते कादेश नाम एक स्थान में आए। इस कादेश नाम स्थान में आने के बाद वे लोगों ने 12 लोग को चुना कि वे लोग जाकर के कनान देश में जाएं और वहां का भेद को लेकर के वापस आएं। अरे इज़राइल लोग जितने गोई गोई यात्रा करे कादेश देख पाले गए तार तेल के 12 जन मानो मोनिट कर ले और तेल को कनान देख लो सुरान सुहा हिसाब पठाले और तार तथ्य विलाक आनी बोल कारण है। सो दिस 12 स्पाइस वेंट देयर लुक्ड अराउंड द लैंड एंड केम बैक। और ये 12 गुप्तचर लोग कनान देश में जाते हैं वहां का सारा भेद को लेकर के वापस आते हैं। अरे 12 गुप्त सुहा होकले कनान देख गए होकलो तथ्य आनिले। दे सेड द लैंड इज वेरी नाइस। और उन्होंने कहा वो देश बहुत ही उपजाऊ है। तेन लोग कोले ए देखन अति हारुआ सच अ फर्टाइल लैंड। और वो बहुत ही उपजाऊ अच्छा देश है। एखन अति हारुआ देख होय सो मेनी फ्रूट्स सो मच ऑफ वाटर। और वहां पर बहुत सारे फल हैं बहुत पानी है। तात बहुत फल और बहुत पानी आसे। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। किंतु एक बहुत बड़ी समस्या। किंतु तात डांगर समस्या आसे। देयर आर ह्यूज जायंट्स इन दैट लैंड। वहां पर देखो अनाकवंशी रहते हैं। और तार बहुत डांगर डांगर दैत्य निशना आसे। यू एंड आई आर लाइक ड्वार्फ्स बिफोर देम। यू कांट विन देम दे विल विन अस। और उनके सामने तो हम लोग टिड्डी के समान हैं। हम तो लड़ करके जीत ही सकते वे लोग हमारे ऊपर जय पा लेंगे। तेल को तुलना हमें एक बार सूटी सापर हो तेल को जूस को हमें जय न पाम किन तेल के जय पाबो। व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल हर्ड दैट दे गॉट स्कैर्ड। और जब इज़राइल के संतानों ने इस बात को सुना तो वे लोग घबरा गए डर गए। जिते इज़राइली संतानों को एक कथा बिला सुनले तेल के भय खाई गए। ऑल नाइट दे सैट एंड क्राइड and cried and cried। सारी रात वे लोग बैठ करके रोने लगे रोते रहे। गुटे रात चल गए बोही बोही तन कानी बो धोले कानी बो धोले कानी ढाकिले। You know what they asked finally? और आखिर में उन्होंने पता है क्या पूछा? आपने जाना है हेको तन की हुदिले? Why did God bring us so far to kill us like this? परमेश्वर ने इतनी दूर की यात्रा करवा करके हमें क्यों लाया? क्या ऐसे मारने के लिए? परमेश्वर क्यों इमान दूर यात्रा करी हमें याद लेने की हमें मारे बोले आने ले? They told one another, enough, no need, we don't want Canaan, we don't want anything, let's go back to Egypt. Let one of us be a captain and we'll all go back to Egypt. वे लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे, बहुत हुआ, और आगे यात्रा नहीं, आओ हमारे बीच में को नेता बनाए वापस मिस्र देश की ओर लौट चले। तेलुगु निज मजे कथा पाती बोले बहुत हो गल आरो आमी इटा जाबो नो आरो तेलुगुर मजे नेता बनाई कोले हां बोले आमी मिस्र देश गले घुरी जाऊं। रीड नंबर्स 14:4। पढ़िए गिनती किताब 14 अध्याय वचन 4। गणना पुस्तक 14 सारी पढ़ो। And they said one to another,
Let us make a captain and let us return to Egypt. Let's return to Egypt. आओ हम लोग मिस्र को लौट चले. आओ हम मिस्र के लिए घुरी जाओ. Brother, sister, look at the number of miracles that God had performed for them till then. और परमेश्वर के प्रिय लोगों ध्यान दीजिए कितने अधिक संख्या में परमेश्वर ने इन लोगों के लिए यहाँ तक कितने आश्चर्य और अद्भुत कामों को किया था. परमेश्वर प्रिय हंटानगर आपन लोग भावी सक तेलुकर कारण परमेश्वर किमान अद्भुत कार्य करिले. सो मेनी सुपरनैचुरल थिंग्स गॉड डिड फॉर देम. एक अप्राकृतिक कई प्रकार के कामों को भी परमेश्वर ने वहां पर करके इनके लिए दिखाया. किसुमान अप्राकृतिक कामों तेन लोगों कारण असंभव कर देखवाले. बट द मोमेंट दे सी द जायंट्स दे फॉरगॉटन ऑल द मिरेकल्स ऑफ गॉड हिज आउटस्ट्रेच्ड आर्म हिज पावर टू सेव एंड दे आर सो रेडी टू डिनाई दैट गॉड आई डोंट वांट कैनन लेट मी गो बैक टू इजिप्ट. किंतु जैसे ही ये इज़राइल के संतानों ने दानों के विषय में सुना तुरंत परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को भूल गए परमेश्वर के सामर्थ्य भुजाओं को भूल गए किस प्रकार परमेश्वर उनके लिए काम करता है भूल करके अभी ईश्वर को परित्याग करके वापस जाने की सोच रहे हैं. इज़राइल हकले जीते है दानव का है मानव बिलाग को था उनले तेल लोगे ईश्वर को राजी कार्य हकलु को था पाहुल ले जी जी आश्चर्य कर्म को से ताक पाहुल ले तेल लोगे हकलु परित्यक्त तो करी पिनी घुरी जाबुले मनुष्य कर ले. इन दिस पैसेज द बाइबल कॉल्स दिस अनबिलीफ. और इस भाग में बाइबल कहता है यह है अविश्वास. और बाइबल और एटू भागर को से एटू अविश्वास. अनबिलीफ इज अ बिग पावर दैट कैन पुल अस बैक टू आवर ओल्ड लाइफ टू इजिप्ट. अविश्वास के पास एक ऐसी शक्ति है अविश्वास की वो शक्ति हमें वापस मिस्र देश की ओर खींच के ले जा सकता है. अविश्वास का अनुकता हॉक्टी जी अविश्वास का हॉक्टी आमा पुनराय घुराय पिनी मिस्र देश के ले जावो पारे. हाउ मेनी मिरेकल्स गॉड हैज परफॉर्म्ड इन आवर लाइफ बट वंस वी मीट अ ट्रायल वी फॉरगेट ऑल दोस बेनिफिट्स दैट गॉड हैज डन फॉर अस इन द डेज पास्ट एंड वी आर सो क्विक टू मर्मर अगेंस्ट गॉड. हमारे जीवन में ही हमने कितने प्रकार के भलाइयों को प्राप्त किए कि तो जब हमारे जीवन में कष्ट और क्लेश आता है उन सारे भलाइयों को हम लोग भूल जाकर के हम लोग बहुत ही जल्दी से ईश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगते हैं. परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत भाल कार्य कर ले आशीर्वाद कर ले किंतु हमारे जीता क्ले का है हमें अति हुनकर तक पहुंच जाओ और हमें भूल भुरा पर धरो. यू नो हाउ क्विक वी कैन इजीली फॉरगेट गॉड. क्या आप जानते हो कितने जल्दी और कितने तेजी से हम ईश्वर को भूल जाते हैं. हमें अति हुनकले और अति बेगरे हमें परमेश्वर पहुंच जाओ. द बाइबल कॉल्स एन अनबिलीविंग हार्ट एन ईविल हार्ट. बाइबल या धर्मशास्त्र अविश्वासी हृदय को एक दुष्ट हृदय कहता है. बाइबल हास्त्रय कोइसे अविश्वासी हृदय टू होल दुष्ट हृदय. देयर वाज एन ओकेशन इन द बाइबल वेयर जीसस लुक्ड एट द पीपल द बाइबल सेज ही मार्वल्ड बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ. और जब बाइबल में एक ऐसा भाग है जब यीशु मसीह लोगों की ओर देखता है तो लिखा हुआ है कि उनको देख करके उनके अविश्वास को देख करके यीशु आश्चर्यचकित हो गया. बाइबल एटा भागत लिखा आसे एने दरे लिखा आसे जे जीसुए जेतिया मानुबिलाकक साले तेलोगर अविश्वास देखि पिनि जीसु आश्चर्यित होय गुल. इवन टुडे गॉड इज लुकिंग एट सम ऑफ अस. ही इज लुकिंग एट आवर ईविल हार्ट दैट डज नॉट ट्रस्ट हिम एंड बिलीव हिम एंड ही इज आस्किंग ही इज मार्वलिंग एट अस एंड आस्किंग अस हाउ कैन यू बी लाइक दिस माय चाइल्ड. आज भी हमारे ईश्वर हमें देखता है और हमारा वो दुष्ट हृदय को उस अविश्वासी अवस्था को देख करके हमारा परमेश्वर आश्चर्य होकर के कहता है और पूछता है हे मेरे बच्चे तू ऐसे कैसे हो सकता है. आज आमार हृदय तो दुष्ट हृदय अविश्वास हृदय साई परमेश्वर कह आचरित है हे मूर सन्तान तुम क्यों एनका हो पारा. इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव फेथ. ऐसा नहीं कि हमारे अंदर विश्वास नहीं. एटु न है कि हमारे मजद विश्वास नाई. वी ऑल हैव फेथ. हम सब के अंदर विश्वास है. हमारे हकल मजद विश्वास आसे. बट दैट फेथ इज सिंपली नॉट इनफ. किंतु वो विश्वास काफी नहीं है. किन है विश्वास के जथेष्ट न होय. एनीवन हियर हु हैज सीन गॉड डायरेक्टली फेस टू फेस लाइक यू सी अ मैन पुट अप योर हैंड्स. यहां पर ऐसा कोई भी है जिसने मुखामुख ईश्वर को देखा जैसे कोई मनुष्य को देखता है अगर कोई होने से अपने हाथ को ऊंचा करे. अवया जदि कुनबा आसे जी एजन मानु है एजन मानु मुखामुखी सोआने के जदि ईश्वरक साइसे तनले हाथ उठाओ. फ्यू हैंड्स आर लिफ्टेड अप. कुछ हाथ ऊपर हुए हैं. कम हाथ उठी से. Some may not understand what I'm asking. और शायद ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग समझ नहीं पाए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ. How do you do? कुनो भाई बुझी ना पाओ पर मैं की कोई सुबुले. I'll ask you another question. एक और सवाल पूछता हूँ. मैं आरोटा प्रश्न हो दिम. How many of you have seen heaven with your naked eyes? Put your hands up. अपनी नंगी आँखों से आप में से कितने लोगों ने स्वर्ग को देखा है? अपना लोग के हाथ उठाई. अपना लोगों नग्न सकुरे किमाने स्वर्ग साले हाथ उठाओ अनुग्रह करी.
few hands have gone up. और कुछ हाथ उठे. केखन मान हाथ उठिले. Now I'm going to ask you another question. एक और सवाल. मैं और एक प्रश्न हूँ. You have not seen God. आपने ईश्वर को नहीं देखा. आपने ईश्वर को देखा नहीं. You have not seen heaven. आपने स्वर्ग को भी नहीं देखा. आपने स्वर्ग को देखा नहीं. You have not seen God ever with your naked eyes. आपके नंगी आंखों से कभी भी आपने ईश्वर को देखा नहीं. आपने आपने नंगा खाली सकुरे परमेश्वर की तो देखा नहीं. You've never seen heaven with your naked eyes. आपने अपनी नंगी आंखों से स्वर्ग को भी कभी नहीं देखा. आपने खाली सकुरे अपने स्वर्ग को देखा नहीं. Some fishermen wrote this book and they say God is there and heaven is there. और कुछ मछुआरे ने धर्मशास्त्र को लिखा और कहा कि ईश्वर है और स्वर्ग भी है. केदन मान मास मुरे लिखी से धर्म आसे जे स्वर्ग आसे आरु ईश्वर आसे. एंड थ्री फूल्स हियर आर स्टैंडिंग हियर बिफोर द माइक्रोफोन एंड सेइंग गॉड इज देयर हेवन इज देयर. और तीन मूर्ख लोग आपके सामने ध्वनि विस्तारक यंत्र के सामने खड़े हुए कह रहे हैं कि ईश्वर भी है और स्वर्ग भी है. और तीन जन मूर्ख आप लोग ठियो हो कह से जे स्वर्ग आसे आरु परमेश्वर आसे. आर यू ऑल्सो गोइंग टू बी अ फूल टू बिलीव दिस. क्या आप भी इन सारी बातों को विश्वास करके मूर्ख बनना चाहते हो. आपने लोग कथा बिल्कुल विश्वास कर मूर्ख हो विचारे ने. Now I'm asking you another question. एक सवाल और. मैं और एक प्रश्न हूँ. How many can say without 100, without 1% doubt, I believe in God, I believe in heaven, put up your hands. बिना किसी संदेह 1% भी संदेह के बगैर आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ स्वर्ग है, ईश्वर है और मैं विश्वास करता हूँ. কোনো সন্দেহ নকৰাকে এক হতাংক সন্দেহ নকৰে কোনে কব পাৰে যে স্বৰ্গ আছে আৰু পৰমেশ্বৰ আছে বুলি হাত উঠাওক. ইফ ইয়ৰ এলবো বেন্ডস ইট মিনছ লিটল ডাউট ইজ দেৰ পুট ইট স্ট্ৰেট আপ. যদি আপকি কোহনি মে থোড়া সে ভি ঝুকাও তো কেনে কা মতলব ইয়ে হে কি আপকো অন্দর থোড়া সা সন্দেহ হে অর যদি নেই তো পুরা হাত উঠাই. আপনা যদি হাত কল বেক হয় তাহলে এটো হবো যে আপনি অল হন্ডে করে আর না হলে আপনি সিধা উঠাওক. আই থট অনলি উই থ্রি আর ফুলস অল আর ফুলস হিয়ার. মেনে সোচা কি হাম তিনই কেবল মূর্খ হ্যায় দেখনে সে তো ইয়াহ পর সব মূর্খ হ্যায়. মই ভাবিছিল আমি কেবল তিন জনে মূর্খ হয় কিন্তু ইয়াত সকলো বিলাকে মূর্খ হয়. হালেলুয়া হালেলুয়া. দিস ইজ কল ফেথ. অর ইহি বিশ্বাস. এটু এ বিশ্বাস. হোয়াট ইজ ফেথ. বিশ্বাস কিয়া. বিশ্বাস কি হয়? ইটস নট গেস ওয়ার্ক. অর দে আর সেইং হেভেন ইজ দেয়ার. আই রেড ইট ইন দ্য বাইবেল হেভেন ইজ দেয়ার. মেবি হেভেন ইজ দেয়ার. লেটস সি. দ্যাটস নট ফেথ. ये एक ऐसी बात नहीं कि लोग कह रहे हैं कि ये विश्व एक स्वर्ग है या एक ईश्वर है. इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि स्वर्ग एक 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 ईश्वर है. ये ऐसी बात नहीं है. विश्वास स्वर्ग आसे बा परमेश्वर आसे बोले तो निजे भावी लोग कथा न होए. Faith is a knowledge. It's not I hope heaven is there. It's I know heaven is there. I know God is there. विश्वास कहने का मतलब मैं सोचता हूं कि एक स्वर्ग होगा ये नहीं, किंतु वो एक समझ है जो कहती है कि एक स्वर्ग है और एक ईश्वर है. मैं जानता हूं स्वर्ग आसे बा परमेश्वर आसे जो एनका मय भाबु बुली न होय किंतु एतु ज्ञान होय जितु कब लागे मय जानु स्वर्ग आसे मय जानु परमेश्वर आसे. बट दिस फेथ हैज टू ग्रो. किंतु इस विश्वास को चाहिए कि वो बढ़े. किंतु ए विश्वास तो दरकार जे ई वृद्धि पाए. वी बिलीव गॉड इज देयर. वी बिलीव हेवन इज देयर. बट व्हेन इट कम्स टू सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ वी डिनाय हिम. वी डिनाय हेवन एंड वी आर सो क्विकली आई वांट इजिप्ट अगेन. हमारे जीवन में हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है या ईश्वर है, किंतु जब हमारे जीवन में कुछ वास्तविक कष्ट क्लेश आ जाता है उन सारी बातों को हम लोग भूल जाते हैं और वापस मिस्र देश की विषय में सोचने लगते हैं. हमें जानो ईश्वर आसे हमें जानो स्वर्ग आसे किंतु जिते वास्तविक असुविधा हमारे जीवन में आए तेना होले हम ए बिलाक पाहर जाओ और मिस्र देखो पिने मूर करि लओ. मेनी ऑफ आवर फेथ मच ऑफ आवर फेथ इज शैलो हॉलो फेथ. हमें से कईयों का विश्वास खोखला विश्वास है. আমার বহুত আর বিশ্বাস বিলাক ফুফুলা আর বাম বিশ্বাস হয়। One day one young girl was very sick. এক দিন এক জওয়ান লড়কি বিমার থি। এবার এজনী যুবক সোহালি বেমারত আছিলে। Some believers were, you know, praying for her and said, "No, she has to, you know, be healed." और कुछ विश्वासी लोग बहुत ही प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे किसी भी कीमत में इसके चंगाई मिलना चाहिए। কেজন বিশ্বাসে প্রার্থনা করেছিল আর সকলো বিনিময়ত এও হোস্ট হব লাগে. ওয়ান স্যাটারডে নাইট ওয়েন দ্য টায়ারিং মিটিং ওয়াজ গোইং অন শি পাসড অ্যাওয়ে ইন হার হাউস. এক শনিবার কি রাত্রি কে সময় মে জব পবিত্র আত্মা কা ইন্তেজার সভা চল রাহা থা ও বহন ইয়া ও লড়কি আপনে ঘর মে গুজর গই. এদিন আবেলি হনিবারে যেটা পবিত্র আত্মা অপেক্ষিত হবা হই আছিল তেটা হে ভনি জনি গুসি গোল. অল দোজ বিলিভার্স হু আর প্রেইং ফর হার টিল দেন দে গট ভেরি জেলাস. উই আর নট গোইং টু লেট গো. উই আর গোইং টু গো देयर এন্ড রেইজ হার আপ अगेन. অর জিতনে ভি বিশ্বাসী লোক বহুত হি জোশ অর ধুন কে সাথ থে ভেলুনে কাহা নাই কিসি ভি কিমত তুম কো জানে নাই দেঙ্গে চলো হাম উসকে ঘর চলে অর উসকে লিয়ে প্রার্থনা করে উসকো জিন্দা করে. আর হে বিশাকে ভাই হকলে
अभिमान घर जा उसी समय में दूसरी तरफ देखने से कुछ विश्वासी और सेवक लोग उसके कब्र आराधना के लिए सारी बंदोबस्त और तैयारियों को कर रहे थे और ठीक है एक अवस्था किसान विश्वासी भाई सकले कब्र कारण व्यवस्था कर और उनको चाहिए था कि तैयारी में कि वे लोग कब्र को खोदे बक्सा को तैयारी करे ताकि अगले दिन उसको कब्र दी जा सके मैडम खन व्यस्त आफिन बनवा व्यस्त जाते अहकाली दोपहर पुटिब पारे Meanwhile, these brothers are ready to go and raise her up. इस बीच में ये धुन में भले भरे हुए लोग उसको जिलाने के लिए चल पड़े किन्तु ए भाई किजने निजर आत्मभिनारे गई पिनी हे तेव जियाबो बिचारिले सो व्हाइल अदर फ्यूनरल अरेंजमेंट्स वर बीइंग मेड और जब जब दूसरी कब्र आराधना की सारी तैयारी आरंभ थी या चल रही थी जेत्या आन फाले दी जे कब्र हकल व्यवस्था चली आसिले वन बिलीवर ही वांटेड टू नो द फ्यूनरल टाइम और एक विश्वासी फ्यूनरल का या कब्र आराधना का समय को जानना चाह रहा था एजन बिसकी भाई कब्र पुटार आराधना समय जानिबो बिचारिले सो ही वेंट एंड आस्क्ड दीस बिलीवर्स हु आर गोइंग टू दैट गर्ल्स हाउस टू रेज हर अप व्हिच इज द व्हेन इज द फ्यूनरल टाइम और वो ये जो लड़की को जिलाने जा रहे हैं इन झुंड के पास जाकर के ये विश्वासी भाई ने पूछा कि भाई कब्र आराधना कितने बजे होगा और ए भाई जो ने जे जी हकल भाई की जो ने आत्मविनय रे ते लोगे जिया बोल गस्ता को हुदिले जे कब्र पुटार समय केतिया होबो दे सेड टुमारो आफ्टरनून उन्होंने कहा कल दोपहर को तेते ते कोले जे काली दुपोरिया देन दिस ब्रदर आस्क्ड हिम इफ यू टुमारो आफ्टरनून इज द फ्यूनरल देन व्हाट आर यू गोइंग फॉर नाउ तब उस भाई ने पूछा यदि कल दोपहर को कब्र आराधना है तो अभी आप लोग कहां या किस काम के लिए जा रहे हो भाई जने कहले यदि अहाकाली दुपहरिया कब्र हो तुम लोग की काम गई ऐसा यू नो व्हाट्स हैपनिंग आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है अपनी बुझी पाइस ने की हो ऐसे दे आर गोइंग टू रेज हर अप बट दे आर टेलिंग द फ्यूनरल टाइम वे झुंड लोग उस मरे हुए लड़की को जिलाने के लिए जा रहे हैं कि तो उसी समय में वो बोल रहे कि कल दोपहर को कब्र आराधना है या कब्र की सेवा है अरे विश्वास की डॉल टू है भोनी जो जिया बोले गए से और तेन लोग कह से ओहा काली कब्र और समय टू इफ यू रियली हैव द फेथ टू रेज अप अ गर्ल देन व्हाई टॉक ऑफ द फ्यूनरल यदि आपको पूरा विश्वास है कि लड़की जिंदा हो जाएगी तो कब्र का विषय या कब्र की बात क्यों যদি আপোনালোকে যদি জিয়ার যদি বিশ্বাস আছে জিয়াব কারণ তেনহলে কবর কথা কিয় মাচ অফ আ ফেথ ইজ লাইক দ্যাট হলো এন্ড শ্যালো वैसे ही हम में से कईयों का विश्वास बहुत ही सकरा है और खोखला है जने दरे अमर बहुत और विश्वास फुफुला और बाम होय इट इज टाइम आवर फेथ इन गॉड इंक्रीज्ड ये वही ये यही समय है कि हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति बढ़ना चाहिए और ए टू हे होम जे अमर ईश्वर प्रति विश्वास टू वृद्धि पाबो लागे एक्चुअली इट इज सो इजी टू बिलीव इन जीसस फेथ इज नॉट समथिंग अनरीजनेबल अनइमेजिनेबल फेथ इज बीइंग रियल दैट्स ऑल ईश्वर को विश्वास करना यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत ही आसान है ये ऐसा कोई बात नहीं जो वास्तविक नहीं या जिसको हम लोग कर नहीं सकते और ईश्वर विश्वास करते एटा खूब सहज कथा एटु न होय जे आमी तक विश्वास करबो नवारिम वन डे देयर वाज अ पुअर वुमन एक दिन एक गरीब औरत एदिन एजनी दुखिया महिला आसिले शी वाज वेरी हंग्री वो बहुत ही भूखी थी ते बहुत भूख लागिसिले शी वाज सिटिंग इन हर स्मॉल हाउस एंड प्रेइंग जीसस I'm very hungry. Please give me some bread to eat. और वो घर में बैठकर के प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु यीशु, मैं बहुत ही भूखी हूँ. खाने के लिए कुछ रोटी दे. अतः घर पर वही प्रार्थना कर ढोले हैं महिला कर हे प्रभु यीशु, मैं बहुत भूखा था, मुझे खाने के लिए रोटी दिया. She was praying loudly. और वो जोर से प्रार्थना कर रही थी. तो जोर करी भी प्रार्थना करी ऐसी. One mischievous boy was going on the road at that time. और वहाँ पर एक दुष्ट बच्चा या शैतान बच्चा वहां से उस रास्ते से गुजर रहा था अरे हे मरे दुष्ट लड़ा हे ते घर किनारे गए असिले ही डिडंट बिलीव इन जीसस और वो यीशु को विश्वास नहीं करता था ते यीशु को विश्वास कर ना सिले बट व्हेन ही हर्ड दिस वुमन मेकिंग अ प्रेयर ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक और जब उसने इस बूढ़ी औरत को प्रार्थना करते हुए सुना तो उसने अपने अंदर एक योजना एक चलाकी का योजना बना ली और हे लॉर्ड जीते हे बुरी जने पार्टनर करा हुन लेते हो एटा बुद्धि मनोट खेला ले ही इमीडिएटली रैन टू द बेकरी एंड बॉट सम ब्रेड वो तुरंत गया बेकरी में जाकर के कुछ रोटी या ब्रेड को खरीद लाया और ही तुरंत गए पिनी बेकारी ले पड़ा था रोटी किनी आनी ले एंड दिस वुमन इज प्रेइंग जीसस आई वांट सम ब्रेड और वो प्रार्थना करने लगी यीशु मुझे कुछ रोटी चाहिए रोटी चाहिए ए महिला करके प्रार्थना करब ढोले यीशु मुझे रोटी लागे दिस बॉय ही वेंट ऑन टॉप ऑफ द हाउस ही पुट द ब्रेड थ्रू द चिमनी और ये जो लड़का शैतान जो दुष्ट बच्चा था वो छत के ऊपर गया
चिमनी के माध्यम से रोटी को नीचे डाल दी अरे दुष्ट लड़ाटू घर ऊपर ले गोल और चिमनी ऊपर दी है रोटी तो पहलाई दिले सो दिस वुमन इज प्रेइंग जीसस आई वांट ब्रेड सॉलिड टप वन साउंड एंड दैट्स ब्रेड देयर और ये लड़की ये बूढ़ी औरत प्रार्थना कर रही है हे प्रभु मुझे रोटी चाहिए अचानक शब्द होता है आंखों के देखती है रोटी सामने और हे बूढ़ी जी ने जिधर प्रार्थना कर ले हे प्रभु मुझे रोटी दिया तेतिया हटाते हटाते शब्द होने ले और जो को गुड़ी साले रोटी आसे शी स्टार्टेड शाउटिंग फॉर जॉय थैंक यू जीसस आई प्रेड एंड यू गेव मी ब्रेड वो तुरंत जोर से चित्कार करने लगी कि यीशु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि मैंने रोटी मांगा और तूने दे दिया अच्छा जुरे ने सीरी कवर ले यीशु की धन्यवाद हो मैं रोटी के बिसेल तू मुझे दे दिला सडनली देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर और तुरंत उसी समय में दरवाजे में खटखटाने की आवाज अटुरंत है हम दरवाजा खटखटा होने वो पाले दैट बॉय वाज स्टैंडिंग आउटसाइड और बाहर वो लड़का खड़ा है अरे बाहर लड़ उठियो है ऐसे व्हाट लेडी यू आर शाउटिंग सो हैप्पीली व्हाट हैपेंड क्या हुआ बुढ़ी औरत तू तो बहुत ही जोर से खुशी से चिल्ला रही है क्या बात है भाई है बुरी महिला तुम्हें खूब सी हो रही है की कोठा से You know, I was praying for bread and Jesus gave me bread. It just fell like that. Oh, देखो मैं रोटी के लिए प्रार्थना कर रही थी. यीशु ने मुझे रोटी दिया. वो तो देखो ऊपर से टपका है. So, I'm going to रोटी करने प्रार्थना करते हैं. जिसे मैं रोटी दिला जहाँ पर पूरी गोल. Oh, Jesus gave you bread, is it? Oh, यीशु ने तुझे रोटी दिया. कि जिसे तुम्हारे रोटी दिले. I only went to the bakery and bought the bread and put it through your chimney into your house. और मैं ही जाकर के उस बेकरी में गया रोटी खरीद करके चिमनी के माध्यम से तेरे घर में डाला हूँ मैं बेकरी ले गई अपनी रोटी जो किने तुम्हारे चिमनी माध्यम से मैं रोटी तो पहलाई दिलो You know what that woman said? आपको मालूम है उस औरत ने क्या कहा अपने जानने है महिला को की कॉल है Whether you put the bread or someone else put the bread, I don't care. I prayed for bread. Jesus gave me bread. मैं इस बात की चिंता नहीं करती कि तूने डाला या और किसी ने डाला मैं केवल इतना जानती हूँ रोटी के लिए मैंने प्रार्थना की ईश्वर ने मुझे रोटी दिया महिला प्रार्थना अभी ये लड़का सोचने लगा चकराने लगा मैं पागल हूँ जो रोटी जाकर खरीद के लाकर इसको दे दिया अरे लड़के आश्चर्य हो गए ही भाभी मैं पागल होने मुझे रोटी किनी नहीं दिलू फेथ इज सो सिंपल विश्वास बहुत ही साधारण और आसान है विश्वास बहुत सहज काम है फेथ इज सो ब्यूटीफुल और विश्वास बहुत ही सुंदर विश्वास बहुत सुंदर है डू यू हैव फेथ इन दैट गॉड क्या आपको उस ईश्वर के ऊपर विश्वास है अपना है परमेश्वर पर विश्वास है डू यू बिलीव ही कैन कैरी यू थ्रू क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि वो आपको इस रास्ते में चलाए चल सकता है अपनी विश्वास करने थे अपना कोरिया ले जाओ पारे बोली डू यू बिलीव दैट योर गॉड इज बिगर देन दोस जायंट्स ऑफ कैनान क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि कनान के दानों से भी बड़ा और महान आपका ईश्वर है आपने विश्वास करने है कनान और दानों बिला करके अपना ईश्वर महान और डांगर बोली और इज योर सिकनेस और योर डेथ Or your divided family, or your divorce, or your witchcraft, or your whatever is happening in your life, your unemployment, is this bigger than your God? या आप ये सोचते हो कि आपके जीवन में दिखाई देने वाली ये बीमारी, आपके परिवार में दिखाई देने वाली ये समस्या, आपका परिवार जो अलग हो गया है, आप जो बेरोजगार हो गए हो, आपके जीवन में कई प्रकार की जो समस्या है, वो आपके लिए बड़ा है। कि आपने भावे नहीं कि अपना घर जी समस्या आसे आपने जी विधवा हो गेल आपने जी साकरी पुरा नै नाना समस्या बिला आपनर परमेश्वर के डांगर बुली शैल वी क्लोज आवर आईज आइए आंखों को बंद करें आइए आंखों से को मुदिम हो डू यू बिलीव दैट योर अल्फा गॉड इज आल्सो योर ओमेगा गॉड क्या आप इस बात को विश्वास करते हो कि तुम्हारा अल्फा या आदि ईश्वर ही आपका ओमेगा या अंत ईश्वर है आपने विश्वास करने जे अपना अल्फा जे भगवान है आदि भगवान और ओमेगा भगवान है अंत भगवान है बोले वी हैव ऑल बिगन आवर जर्नी फ्रॉम इजिप्ट टू फ्रॉम द वर्ल्ड टू हेवन हमने हम में से हर एक ने हमारी यात्रा को शुरू किया है मिस्र देश से अर्थात इस जगत से यात्रा शुरू करके स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं हमें हकले हे मिस्र देश पर यात्रा कर लो अर्थात ए पृथ्वी पर यात्रा कर लो स्वर्ग पिने इट इज ट्रू द पावर्स ऑफ इजिप्ट आर ट्राइंग टू पुल यू बैक ये सच है कि मिस्र की शक्ति हमें वापस खींच रही है एट होसा करे जे मिस्र होटि अपना पीस वाले टानी असे समटाइम्स दोस पावर्स आर सो पावरफुल यू वंडर इफ यू विल एवर गेट टू हेवन कई बार ये शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आप सोचने लगते हो चिंता करने लगते हो कि क्या मैं कभी स्वर्ग जाकर के पहुंचूंगा कितने भाई हॉकी भी लगी मन हॉकी हाली हो जाए आमी कितने आश्चर्य हो जाओ जाए आमी भावू जाए कितने भाई मैं स्वर्ग गोई पामने But remember one thing, no matter how much Satan can try to pull us, one group of children of God, one group of Christians will reach the other shore because they believe that their Jesus is powerful, all powerful, and He is able to take them there. एक बात को आप लोग याद रखिए
शैतान कितनी भी चालाकी और कितना भी जोर जबरदस्ती क्यों ना कर ले, तथापि एक झुंड के लोग जो मसीही हैं, यीशु मसीह की आगमन में उसके राज में उठा लिए जाने वाले हैं और उसके राज में पहुंचेंगे, कारण वे लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरा सर्वशक्तिमान है जो मेरे अंदर ये काम को पूरा करेगा। अपने लोग विश्वास कर रहे अपने लोग सैतान जी मैंने टाइम न था क्यों जो अपनी इटू पार जाब और अपनी गई पी स्वर्ग पाव पार और स्वर्ग द्वारा अपनी कह पार परमेश्वर कि महान है बोली। ब्रदर सिस्टर लेट सिकनेस कम। भाई और बहनों बीमारी आने दो। भाई और बहन भोने भी लाग बीमार ही बोलिया। लेट सैतान टेक अवे योर मनी। शैतान आपके पैसे ले जाने दो। शैतान अपना टोका लो जाबो दियो। लेट पीपल राइज अप अगेंस्ट यू। लोग आपके विरोध में उठने दो। मानव लाग अपना वीडियो उठिबो दियो। लेट समवन डू विचक्राफ्ट अगेंस्ट यू। तुम्हारे विरोध में कोई जादू टोना करने दो। अपना वीडियो कोनो भाई जादू करिबो दियो। लेट पीपल मॉक एट यू। आपको लोग देख के ठट्टा करने दो। मानव अपना देख निंदा करिबो दियो। लेट सिन स्ट्राइव अगेंस्ट यू। पाप आपके विरोध में लड़ने दो। पाप अपना वीडियो काम करिबो दियो। व्हाट शुड यू से? आप क्या कहना चाहिए? आपने की कबो लागे? आई नो हुम आई हैव बिलीव। मैं जानता हूँ कि मैंने किसको विश्वास किया। मैं जानू मैं काक विश्वास कर लू। क्लोज योर आईज एंड से इट आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। अपनी आंखों को बंद कीजिए और बोलिए मैं जानता हूँ कि मैंने किसको विश्वास किया। अपने सको मुड़ी अपने कहो मैं जानू मैं काक विश्वास कर लू। क्लोज योर आईज एंड से आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। आंखों को बंद कीजिए और बोलिए मैं जानता हूँ कि मैंने किसको विश्वास की। अपने सको मुड़ी अपने कहो मैं जानू मैं काक विश्वास कर लू। ओपन योर माउथ एंड से आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। मुंह खोल के बोलिए मैं जानता हूँ कि मैंने किसको विश्वास की। আপনি কোক আপনি মই বিশ্বাস করলো কাক মই বিশ্বাস করলো। ইউ আর নট ফলোয়িং আ ডল অর আ পিকচার অর আ স্ট্যাচু, ইউ আর ফলোয়িং দ্য লিভিং গড। আপ এক গুড়িয়া কো এক ছবি কো ইয়া কোই এক বড় চিজ কো বিশ্বাস নই কর রে। আপ এক জীবিত ঈশ্বর কো বিশ্বাস কর রে হো। আপনি এটা পুটলা বা এখন ছবি কা আপনি অনুকরণ করনা কিনা আপনি জীবিত ঈশ্বর অনুকরণ করিছে। ডু ইউ বিলিভ দ্যাট ইয়োর গড ইজ আ মাইটি গড? কি আপ ইস বাত কো বিশ্বাস করতো কি আপকা ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হে? কি আপনি এক কথা বিশ্বাস করনে যে আপনার ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হয় বলি? You may be weak, you may be very weak, you may be very, very weak, you may be very, very, very weak, but that's not a problem for God. He's bigger than all your weakness, brother, sister. हो सकता है कि आप दुर्बल हो, आप बहुत ही कमजोर हो, और बहुत ही दुर्बल, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही दुर्बल, किंतु आपकी ये दुर्बलता कोई समस्या नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और अपने हो तो भाई हो बड़े अपने बहुत दुर्बल है, बहुत 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 दुर्बल है, किंतु आता कथा मन उठाओ अपने परमेश्वर जी हर वक्त में परमेश्वर है। How many believe in an almighty God? Put up your hands. कितने लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर को विश्वास Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve! 1 minute. 1 minute. You know whom you are serving? आप जानते हो कि आप किसकी आराधना करते हो? अपने जाने अपने का आराधना करें। As you sing this song, exalt your God and sing। जैसे आप इस गीत को गाते हो, आपके ईश्वर को ऊंचा करते हुए गाइए। आपने जितना ये गान तो गीत गाए, आपने ईश्वर ईश्वर ऊंचा करके बोले गाओ। We are worshiping such a big God। हम ऐसे ही एक महान ईश्वर की आराधना करते हैं। हम ये जन महान ईश्वर आराधना करूं। Heaven and earth are adoring Him। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी ओर देख रही है। स्वर्ग और पृथ्वी तो सम्मान करे। The words of the song are like this: What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve! और गीत इस प्रकार कहता है कि हम कितने महान ईश्वर की आराधना करते हैं या उसकी सेवा करते हैं। स्वर्गदूत भी उसके सामने झुक करके दंडवत करती है। स्वर्ग और पृथ्वी उसको ताकती रहती है, देखती रहती है। गान तो नहीं कैसे हमें कहने का हर भक्ति मान प्रभु हेवा करूँ, कहने का हर भक्ति मान प्रभु हेवा करूँ, आन की स्वर्ग दूते हेवा करे आरु ये पृथ्वी आरु स्वर्ग दूते हेवा करे। Let's all clap our hands and sing। आइए हम सब ताली बजाते हुए गाएं। आग हमें हाथ सब मारी गाँव हो। And when you really exalt that mighty God, जब आप सच में आपके शक्तिशाली ईश्वर को आप ऊंचा करोगे, अपने जो हसा को ये हक्तियाली ईश्वर ऊंचा करिबो, that big
problem of yours, that big, big problem of yours, it's going to melt before the Almighty God. आपकी बड़ी समस्या, हाँ, आपकी वही बड़ी से बड़ी समस्या भी ईश्वर के शक्ति के सामने पिघलने लगेगी. अपना डांगर होमोचा, डांगर कोई डांगर होमोचा ईश्वर ईश्वर गोली बोले धोरी बो. I am going to exalt my God through this song. इस गीत के द्वारा मैं मेरे ईश्वर को ऊंचा करने जा रहा हूँ. मैं एक गीत और है, मैं मूल ईश्वर को ऊंचा करने बोले गोया से. What are you going to do? आप लोग क्या करने जा रहे हो? आपने की करने बोले गोया से. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels come before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before heaven and earth adore. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Hallelujah! What a mighty God we serve! Shabbat Baham Karola Hariya Basam Buddha Hari Dori. What a mighty God we serve! What a mighty God we serve! Angels bow before Him, heaven at the door. What a mighty God we serve! Thank you, Lord. We praise You, Jesus. What a mighty God we serve! Glory be to the name of God. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. परमेश्वर नाम महिमा बहोग. Our Lord Jesus Christ is really a great. हमारे यीशु मसीह सच में महान. हमारे यीशु ख्रीस्त हसा कोई महान होए. All these times you have been hearing the word of God. अभी तक आप परमेश्वर के कलाम से सुन रहे थे. आपने ए हमारे तो परमेश्वर बाइक को होने सिले. After prayer and benediction, our elder brothers and pastor, they will come and pray for you when you come to the in the front. आप लोग प्रार्थना और आशीर्वाद के बाद यदि आगे आओगे, हमारे प्राचीन लोग और पास्टर लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे. और अपना लोग यदि प्रार्थना और आखिर आग बढ़े है तो हमारे बड़मुड़िया सकते अपना लोग प्रार्थना कर. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेंशन वन वर्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन से एक बात इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ. तार आगे मैं परमेश्वर वचन पर एटा कथा कह विचार. एपिस्टल ऑफ फर्स्ट जॉन फोर्थ चैप्टर व्हेन यू रीड द फोर्थ वर्स व्हाट यू अंडरस्टैंड. जब योहन्ना पहले योहन्ना की पत्री उसके चौथे अध्याय के चौथे वचन को पढ़ते हैं तो पता है वहाँ क्या लिखा है. प्रथम जोहन और अपनी चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पद पहले अपने जाने की लिखा से. प्लीज रीड एनीवन आइदर ब्रदर और सिस्टर दैट वन पर्टिकुलर वर्स in one language. ek bhasha mein koi bhi padhi ek bhakat kono bhai padho. And these things write we unto you that your epistle of first john 4th chapter 4th verse pehla yohanna 4 adhyay 4 vachan pratham yohanar pot sari adhyay sari vachan. Ye are of god little children and have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world. Yes, do you understand now? क्या आप इस बात को समझ गए कि आपने एक कथा बुझी पाले. How many of you understand this verse? कितने लोग ने इस बात को समझ लिया है कि माने एक वाक्य को बुझी पाले. What does John the apostle say here? ये प्रेरित योहन्ना ने यहाँ क्या लिखा. यह पासेज जो होने की कॉल लिखी से. One who is in the world and the one who is in us. एक जो इस जगत में है और एक जो तुम्हारे अंदर है. एजन जी जगत से एजन जी अपना माजत से. Who is in your heart today? आज आपके दिल में कौन. आज अपना हिडर कौन से. Who is in your heart today? आज आपके दिल में कौन. आज अपना हिडर कौन से. For whom you want to give a room? आप किसके लिए अपने दिल में जगह देना चाहते हो. अपना हिडर कार के अपने ठाई दी वो विषय. Whether you want to give room for the devil or the Lord Jesus Christ? आपके दिल में यीशु के लिए या शैतान के लिए कि किसके लिए आप जगह देना चाहते हो. अपना हृदय यीशु ख्रीस्त कारण ने दैत्य कारण अपनी जगह दी. For the great faith which the Lord has given to us. हमारे परमेश्वर ने एक महान विश्वास हमें दिया. ओ हम सब मिलकर के इस विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें. हमारे परमेश्वर ने महान विश्वास दिले है. विश्वास करने में होकर धन्यवाद दीम हो. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. What a mighty God we have! What a mighty God we have! What a mighty God we have! What a mighty God!
have. The angels go before him. Hallelujah. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. क्या आप जानते हो कि ये शक्तिमान ईश्वर कैसे हमारे जीवन में आता है? आपने जाने से शक्तिमान ईश्वर के निकाय जीवन आता है। Because it firstly we have an entry of the great God because of the blood of Jesus what He shed on Calvary. कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, यही कारण है कि उस हमारे दिल में आज उसका प्रवेश है। যিশু খ্রিস্ট ক্যালভারি ক্রুজত নিজৰ টেষ্ট বহাই দিলে আৰু সেইটো এটা কাৰণ যাৰ কাৰণে আমি মহান যিশু মসীহৰ মৃত্যুক হম বিশ্বাস কৰোঁ হে ক্যালভারি ক্রুজত যিশু খ্রিস্টৰ মৃত্যুটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ যেতিয়া আপুনি লহু কা উচ্চাৰণ কৰোঁতে হো যেতিয়া আপুনি যিশু খ্রিস্টৰ টেষ্টটো উচ্চাৰণ কৰে দ্য ডেভিল হু ইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যান নট কাম নিয়ার টু ইউ जो जगत में शैतान है वो आपके पास भी आ नहीं सकता जगत जी शैतान से अपने ओर आ ही बन वाले सेकंडली दूसरा विषय द्वितीय व्हेन यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड इन वाटर्स ऑफ बैप्टिज्म जब पानी के बपतिस्मा से उसके वचन को आप विश्वास करोगे आपने जब पानी बपतिस्मा वचन को विश्वास करे द वेरी वर्ड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द वेरी वर्ड ऑफ गॉड व्हिच यू बिलीव दैट बिकम्स अ सीड इन योर हार्ट व्हिच बिकम ग्रेट देयरफॉर यू बिकम ग्रेट इन द साइट ऑफ गॉड जब परमेश्वर के कहे वचन को विश्वास पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा करते हो तो वही परमेश्वर का वचन आपके अंदर एक बीज के समान बोया जाता है और वह आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है और जितने परमेश्वर वचन जितने पानी बपतिस्मा को अपने विश्वास करे हेतु अपना जीवन का बीज हिसी दिए और अपना जीवन महान कार्य करे When a person fills with the power of the Holy Spirit, जब एक व्यक्ति पवित्रात्मा का अभिषेक पाता है, जितने अजन व्यक्ति है पवित्रात्मा अभिषेक पाए, the Holy Spirit can take controls of your whole life. जब आपके जीवन का सारा नियंत्रण पवित्रात्मा ले लेता है, आपना जीवन और होकोलो नियंत्रण पवित्रात्मा लोय लोय. In these three ways, the one is in us. इस तीन रीति से या तीन माध्यम से वो हमारे अंदर राह देखता है और ए तीन टा रीति तेओ आही आमा ऊपर बहे यू आर नॉट ग्रेट आप बड़े या महान नहीं आपने डांगर बा महान न होए आई एम नॉट ग्रेट मैं बड़ा या महान नहीं मैं डांगर बा महान न होए नन ऑफ अस इज ग्रेट इन दिस वर्ल्ड हम इस जगत में कोई भी महान नहीं आमी ए जगत में कोई महान न होए यू नीड नॉट टू बी फ्राइटेंड ऑफ द डेविल आप शैतान से तथापि डरने की जरूरत नहीं तथापि अपनी शैतानक भय करबो न लागे व्हाट यू हैव टू बिलीव आपको क्या करना है विश्वास करना है अपना की विश्वास करबो लागे यू जस्ट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड एज इट इज और परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही विश्वास कीजिए परमेश्वर वचन जेने को है तो अपन तेने दौरे विश्वास करो यस आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी पुट एन एंड टू द वर्क्स ऑफ द डेविल ऑन द क्रॉस फॉर योर से आपके खातिर आपके निमित्त कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने शैतान को बिठा दिया या हरा दिया है अपना कारण यीशु ख्रीस्ट कलवरी क्रूस पर शैतान का जो है जीसस द सन ऑफ गॉड हैज पैरालाइज्ड द Power of the devil on the cross. कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने शैतान के कामों को लखों मरवा दिया. और यीशु ख्रीस्त है कलवरी क्रूस पर शैतान का काम Jesus the Son of God already paralyzed the power of the devil for your sake on the cross. आपकी खातिर आपके लिए कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने शैतान के सारे कामों को बेअसर कर दिया. और अपने कारण यीशु ख्रीस्त कलवरी क्रूस पर शैतान सकल कार्य Therefore, how many of you are willing to say, "I believe on the Lord Jesus Christ"? इस कारण से आप में से कितने लोग इस बात को विश्वास करना चाहते हो कि मैं मसीह पे विश्वास करता हूँ? एटु कारण आपने लोगों मांझर की माने विश्वास करो विश्वास है मोहाय मैं यीशु को विश्वास करूँ। I believe on Jesus with wholeheartedly. मैं संपूर्ण दिल से यीशु को विश्वास करता हूँ। मैं हम पर ही जो है यीशु की तरफ विश्वास करूँ बोली। Lord Jesus, I thank you for the great thing what you have done for me on the cross. हे प्रभु यीशु मसीह, कलवरी क्रूस पे तूने जो मेरे लिए किया, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं यीशु की तरफ तुम्हें कलवरी क्रूस जी मुंह काने को लेता के ना मैं धन्यवाद हूँ। With the grateful Lord, what we should do now? इसके लिए शुक्रगुजार हृदय से हमें क्या करना है? हे कहना धन्यवाद हृदय मैं की करूँ बोला। Join together and sing that chorus once again.
आइए एक बार हम सब मिल करके उस कोरस को गाएं। जितने विश्वास करते हैं ताली बजा करके उसके महिमा के लिए गाए। जी मैंने विश्वास करे ताली बजा भी नहीं महिमा करने गाओ। What am I did? What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. क्या आप थक गए हो? क्या आपने भागोरी को ऐसे देखी? यू डोंट वांट टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ गॉड? क्या आपकी ईश्वर को आप महिमा नहीं करना चाहते? ये आपने ईश्वर का महिमा करना नहीं विचार है? मोर यू ग्लोरीफाई गॉड बिकॉज़ द गॉड ऑफ ऑलमाइटी यू विल फाइट ऑल योर बैटल्स। आप जितना ज्यादा से ज्यादा उसकी महिमा करोगे वैसे ही वो आपके लिए लड़ाई करके आपको जय देगा। आपने जी मैंने टेव करने महिमा करी वो अपना परमेश्वर अपना करने जूस जूसी अपना जय देगा। पॉल एंड साइलास व्हाइल दे वर इन प्रिजन They were just praising God. That's all. Paulus, Silas, जब वे लोग बंदीगृह में थे, वे लोग स्तुति और गीत को गाने लगे। Paulus और जिले Silas जितना तेलुगु जेल बंदीगृह से तेलुगु परमेश्वर महिमा करी सिले। They could have murmured against God. वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा सकते थे। तेलुगु परमेश्वर विरुद्ध बुरबुरा पारी ले होए। They could have complained against the authorities of the land. और देश के अधिकारी के विरोध में भी लोग शिकायत दर्ज कर सकते थे। तेलुगु देखो अधिकारी उस तेलुगु निवेदन को पारी ले होए। They might have made a complaint. No one has come and met us. और कोई भी आकर के हमसे मिला नहीं या हमको देखने के लिए नहीं आया, इस प्रकार की शिकायत भी वे लोग कर सकते थे। तेलुगु कह पारे कुनु आही हमक देखा करने कुनु लॉक करने भी कह पारे ले होए। Did they do any such thing? क्या इस प्रकार की कोई भी काम पौलुस और सिलास ने किया? एनुका पकड़ की बा काम सिलास और पौल कोई सिले ने किया? What did they do? उन लोगों ने क्या किया? तेलुगु की कोई सिले? Just praising God. वे लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तेलुगु परमेश्वर स्तुति करने बहुत धोरी। While they were praising God. और जब वे लोग स्तुति कर रहे थे। जितना स्तुति करी आसीले। God fought their battle. परमेश्वर उनकी लड़ाई को लड़ा। परमेश्वर तेलुगु का जूझ जूझीले। So now it is our time to rejoice in the Lord. अभी हमारा समय है कि हम परमेश्वर में आनंदित और मग्न हो। ऐसे हमारे हम है परमेश्वर आमी आनंद करू हो। Oh, shall we all sing once again this chorus? आइए एक बार इस कोरस को हम लोग गाएं। आहा हम एक बार एक कोरस को गाओ हो। What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. What a mighty God we have. What a mighty God we have. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we have. Hallelujah.
Shall we all praise God with wholeheartedly once again for the blessed word of God which the Lord has brought in our midst. आज की शाम के वक्त में जो धन्य परमेश्वर का वचन हमारे बीच में दिया गया उसके लिए आइए हम परमेश्वर को कृतज्ञता के साथ धन्यवाद करें। आज आबेले हम जी धर्मीय वचन हमार परमेश्वर दिले ताकि हम कृतज्ञता हृदय हमें धन्यवाद दियो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सो मेनी पीपल वर डिफीटेड इन द पास्ट पिछले दिनों में कई लोग पराजित हो गए जुआ दिन मिला गत बहुत मानु पराजित हो गए। But year after, when you really believe the word of God, what it is given to us. किंतु आज से जो वचन हमें दिया, उसको यदि हम विश्वास करें। किंतु आज ही पर आमाक जी बोसन दिले ताक जो दी विश्वास करो। If you really trust in the Lord Jesus. यीशु मसीह के ऊपर यदि आप सचमुच भरोसा रखें। जो दी आपने यीशु क्रिस्त पर भरोसा रखे। Your life will be entirely different year after. आज से आपका जीवन ही बदल जाएगा। आज ही पूरा अपना जीवन तो बदल ही जाबो। Shall we all praise God once again for the blessed word of God? हमें ऐसे के धन्यवचन के लिए एक बार हम धन्यवाद करें। धन्यवाद बच्चों के लिए धन्यवाद दी हो। Praise the Lord, 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 giving all glory and honor once again unto the holy name of Jesus. Who has come down in our midst and taken control of this whole gathering and blessed each and every one of us from above. Therefore, let us all praise. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर सबसे उतर करके हमारे बीच में आया और इस सभा का संपूर्ण भार उठाया और हमें सरेको को आशीष किया इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे परमेश्वर स्वर्गपा आहि बिना हमारे गुटे दल तो नियंत्रित कर ले और होय कने हम इटा सकलो आदर सम्मान दिए धन्यवाद दी। हालेलुया 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 जीसस इज कमिंग वेरी सून। हमारे यीशु बहुत ही शीघ्र आने वाला है। अमर यीशु अति शीघ्र आहि बोले गो यस। He wants us all that we to be ready for that day. और वो ये चाहता है कि हम सर एक लोग उससे मुलाकात करने के लिए उस दिन तैयार रहे। आमी तो बिचारे जे आमी तो है दिन टू करना मिनी जगह तो है रखो। He has spoken according to the state of our life. हमारे जीवन की अवस्था के अनुसार ही उसने हमसे बातें की। अमर जीवन और अवस्था अनुसार तो कोठा कोले। So that we could give up all our wrong ways and cling unto Jesus only till the very end. ताकि हम लोग हमारे सारे गलत रास्तों को छोड़ करके एक बार यीशु के पास आ जाएं और आखिरी समय तक उसके साथ ही रहें। जाते हमारे होकलो बे काम लगा हमें एरिडियो और हमें यीशु पिने ढाल खाए पिने हेकोलो के तेरे लोगों लगी। Giving ourselves once again into the loving hands of the Lord Jesus Christ, shall we all praise God? एक बार प्रेम में यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए धन्यवाद करें। प्रेम में यीशु क्रिस्त का हमारे निजगा हम पर के धन्यवाद दीम हो। अपने संतों को इकट्ठा करने के लिए वो महिमा में अति शीघ्र आने वाला है। अति शीघ्र आई बोले धन्यवाद धन्यवाद God the Father, Son, and Holy Spirit shall be all. Praise God. पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर के लिए भी हम धन्यवाद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर का भी धन्यवाद दी। Praise the Lord. 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 My brother will pray now. Our mighty and heavenly Father, the Lord given a blessed convention in this year also. Father, we thank Thee and praise Thee, Master. That the God is blessing us for the past 2 days. In the third day also, that the God is Lord descended to me. As an almighty God and Lord undertaken this meeting from the beginning to the end of Master.
Father Lord, from the beginning to the up to the end, the word of God is Lord. Lord moved in our midst, Master. Lord, we could have feel the heavenly presence in our midst. For that also, we thank and praise your Master. The word of God is undertaken the prayers and the ministry of the hymns and the Lord Jesus worship also, Lord. The Holy Spirit, Lord, moved in our midst in a mighty way. For that also, we thank thee and praise thee, O Master. The word of God has lifted the living testimony and glorified the name, Lord. The word of God has brought all the children of God. For that also, we thank thee and praise thee, O Master. For the Lord, today, the word of God has, Lord, quench the thirst of the people, those who are all gathered in this place, O Master. For the Lord, the word of the Lord has made use of thy servant and enabled us to receive the eternal living verses from the heavenly throne of our God. The word of God, yes, Lord, reveal the experience of the children of Israelites, Lord. How the Lord, the children of Israelites, Lord, feared because of the suffering, because of the Pharaoh in the sea bank of the Red Sea. Lord, how they suffered, Lord. Lord, such a spirit we should not have, Lord. Lord, we should receive the sufferings with the gladly, and we should accept the sufferings in the Christian life, hallelujah, and we should glorify the name, Lord. Hallelujah. Thank you, God, Lord Jesus, for the Lord Jesus, how the people of the Lord Jesus, Lord God, lust, and Lord Jesus, they dead in the wilderness way. Such a thing should not happen in our life, oh God. Lord, then the children of Israel got the silver and gold from, and the spoil which we got from the land of the Egypt. They made the golden calves. Such a thing should not come in our life, Lord. The Lord, we should not turn back to Egypt. The things that has came in the life of the children of Israel should not come in our life, oh God. The Kadesh, that the unbelief should not come in our life. The mixed people, the multitude which are all in the midst of the children of Israel should not be found in our life, oh God. For the Lord, the verses which we, the word of God, Lord, given in our life, we should, Lord, keep it in our heart, and we should remember, and we should meditate, and we should get ready for the coming of the Lord Jesus. Lord, the word of God has made use of thy servant. For that we glorify thy name, Lord. The verses which we heard, it should, Lord, yield hundredfold the blessings, Lord. Now the time also, the word of God has moved in our midst, Master. Two thousand years back, how the word of God has, Lord Jesus, done the ministry in the sea bank of the Galilee. Like that way, in this evening, in this Golgotha city, the word has done this ministry and glorified the name. For that also, we thank thee and praise thee, Master. Committing everything in our mighty hand. Now also, the word of the Lord should heal the sickness of the people and glorify the name. Bring the people to the right path, enlighten the heart of the people. They should obey their souls for the water baptism and the power of the Holy Spirit also, Lord. Lord, we are committing everything in our mighty hand, giving glory, honor, praise, everything, thine only. Prepare us and preserve for the soon coming. In the precious name of Jesus, I am asked our Heavenly Father. Amen. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide now until and all the dear ones who are gathered here till Jesus comes in glory. Amen. Hallelujah. 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 Those who want prayer, you can come forward. Our pastor and elder brothers will come and pray for you. यदि किसी को प्रार्थना चाहिए तो कृपा करके आगे आए, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी. আপনারা যদি কারবা পার্টনার দরকার অনুগ্রহ করে আগবাড়ি হোক, আমার পাস্টর করে পার্টনার করিব. तरस तुम पर खाके पास बुलाके छुड़ा तुम्हें जाता है और चंगा करना जाता है.
Convention, we thank thee for the mighty hand of God which was stretched forth in our midst and blessing us all. We thank thee.
Keep us all faithful and grateful in the sight, so that thy name could be glorified. In Jesus' name we ask it all. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord.